أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
وما بسم ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله.
sallallahu alayka ya ya rasulallah wa sallam alayka ya habiballah. Zameen se taba suraiya dikhai deta hai, zameen se taba suraiya dikhai de نظر وہ آئے تو کیا کیا دکھائی دیتا ہے, نظر وہ آئے تو کیا کیا دکھائی دیتا رسالت کا ایک ذرہ دیار مہر رسالت کا ایک ذرہ مثال ماہ چمکتا دکھائی دیتا ہے, مثال ماہ چمکتا دکھائی دے ادا ادا سے شہنشاہ قدسیاں نے پلک ادا ادا سے شہنشاہ بتہا دکھائی دیتا ہے, غلام خواجہ بتہا دکھائی دیتا ہے, نظر وہ آئے تو کیا کیا دکھائی دیتا ہے, ہزار زخم دروں پہ بھی جام عشقوں کا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم الامين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا हज़रात ग्रामी, आज की ये पुरनूर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस पाक सरजमी पे इनेकाद पज़ीर है, आप आबाब अकालसलातुसलाम के प्यार और मोहब्बत के दिए जलाकर इस मोहब्बत भरी सरजमी पे आए
अल्लाह रब्बुल इज्जत अलैहिस्सलाम के तुफैल हमारा आना जाना कबूल फरमाए और सागर में जाम रहे दौर में पैमाना रहे, सागर में जाम रहे दौर में पैमाना रहे, या इलाही हमारे सरों पे कायम मुर्शिद का मैखाना रहे। और या इलाही ताबत आस्ताना यार रहे, यही आसरा है गरीबों का बरकरार रहे। हजरत ग्रामी नूर की खैरात बटेगी हर एक अपने दामन में उसको समोएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी रूह को हमारे दिल को अपनी मोहब्बत अपने प्यार के साथ सरशार फरमाए। अकल सलाम की ज़ात करीमा के नालायन अकदस का सदका हमारी दीन और दुनिया की मुरादें पूरी फरमाए। हजरत ग्रामी अलिफ अल्लाह ने भेजिया पीर सोना, अलिफ अल्लाह ने भेजिया पीर सोना, जिदे वास्ते अर्श सुहावना सी, भूए दोजखां दे अल्लाह बंद किते, जड़ी रात प्यारे ने आवना सी, किता बख्त ललाक दा शान उच्चा, नबी बाज ना कुछ बनावना सी, सरदार बख्श जे नबी ना पीर मिलदे, पत्थर पूजने ते जंजू पावना सी। और अलिफ अज मेरे दिल दे शहर विचों नवा रही अजीब क आ लंघिया, नहीं सी जान पहचान पर की दसा, की करके नाजो अदा लंघिया, ओदे तर्जे खिराम दी शान ना पुछ, पैर दबके वांग सवा लंघिया, पता लग नहीं सकिया नसीर अज तक, बंदा लंघिया के आप खुदा लंघिया। और रहते हैं तेरे साथ वो अब साए की तरह, रहते हैं तेरे साथ वो अब साए की तरह, तेरे ख्याल में कभी जिनका गुजर न था, रहते हैं तेरे साथ वो अब साए की तरह, तेरे ख्याल में कभी जिनका गुजर न था, पहचानता हूं खूब तेरे नक्शे पा को मैं, गुजरा है कौन दिल से मेरे तू अगर न था, गुजरा है कौन दिल से मेरे तू अगर न था। हजरत गिरामी मैं दावत सुखन देता हूँ फाजिल जलील आलम नबील मुनाजिर इस्लाम शेख हदीस क़िबला उस्ताद गिरामी हजरत आलामा मौलाना हाफिज मोहम्मद आजम अशफी साहब, मोहब्बत भरे नारों से इस्तकबाल कीजिएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, मिलाद मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुतवहिद बिजलाल ज़ातिही व कमाल सिफाती, المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتي والصلاة والسلام على من أرسله بسات حججه وواضح بيناته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وهماتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک و شوق کے ساتھ सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या क़ायद गुरुल मुहज्जरीन व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या रहमतन लिल आलमीन। मौला यसल्ली व सल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम, हुवल हबीब अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्तहिमी। يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। अंधे शीशे झला झल दमकने लगे, जलवा रेजी ये दावत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेरे गुर्रान ने सतवत पे लाखों सलाम। बे बनावट अदा पे करोड़ों दरूद, बे तकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुंह पे बेहद दरूद, उनकी हर खुओ खसलत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहसन खालिकीन अहकमुल हाकिमीन की हमद सना। हुजूर आका इनामदार मदनी ताईदार नबी पाक साहिब औलाद अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिही वसहाबी वबारक वसल्लम के दरबार नाज में हदिया न्याज अर्ज करने के बाद, मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम हुजूर क़िबला आलम सामीन हजरात, अल्लाह पाक का बेहद फजल और एहसान है कि उसने इस पाक दर की हाजिरी हमें इस मुकद्दस रात में नसीब फरमाई। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमारी हाजिरी अपने दरबार में कबूल फरमाए, इस बंदा नाचीज को कई सालों से इस पाक रात के अंदर इस पाक दर की हाजिरी नसीब रहती है, इस बात पे अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ। और इस पाक रात के तवस्सुल से ये उम्मीद भी रखता हूँ कि जिस तरह पहले इतनी ज़िंदगी मेरी कमी कोताही को दरगुजर करते हुए मैं उस माफ़ी को समझ रहा हूँ, तो अब बकाया ज़िंदगी भी इसी तरह करम नवाजी के साथ गुजर जाएगी और मेरे गलतियों के ऊपर दरगुजर फरमाते रहेंगे। जे मैं भूल के गैर के गैर दे दर जावा, झट पट उठे दब कुटियां में। ये पाक दर हमेशा नसीब रहे और अल्लाह पाक इस पाक दर के साथ हमेशा वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। इस पाक रात में मैं भी ये इल्तिजा करता हूँ, ज़ौक शौक देवी रब्बा अपना तू, ज़ौक शौक देवी रब्बा अपना तू, देवी गैर दा वहम चुका बेली, देवी जाम तो हीद दे मट विचू, मंगा ए इनाम सदा बेली, रखी मस्त अलस दे कौल उत्ते, दिता कौल जो कालू बला साई, मकर नफ्स शैतान दे हैन वड्डे, मकर नफ्स शैतान दे हैन वड्डे, लमी अमन अमान बचा बेली। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद की ये पाकीज़ा रात है। अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ज़बान बेमिसाल पर ये इरशाद फरमाता है, सही बुखारी में हदीस पाक है। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला अहदा अहब्बु इलैहिल मिदहा मिनल्लाह ताला फलिज़ालिका मदहा नफ्सहु। खुदा की ज़ात वो ज़ात है जिसको सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ अपनी सना पसंद है, इसी वजह से वो अपनी तारीफ खुद भी फरमाता है। उसको अपनी तारीफ पसंद है और ख़ुद भी अपनी तारीफ फरमाता है, तो वो चाहता ये था कि कोई और भी हो मेरी तारीफ करने वाला, कोई हो जो रातों की तन्हाइयों में मुझे याद करे। मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, कुन तो कंजन मख्फियन व अहबब तो अनोरफ। मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने पसंद किया कि पहचाना जाऊं। वो किसी ने क्या खूब कहा कि इश्क का ज़ौक नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुसन खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। इश्क का ज़ौक नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुसन खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। उसने खुद तकाजा किया कि कोई हो जो मेरे हुसन को देखे। हुसन का तकाजा होता है, हुसन खुद ये चाहता है कि मेरे देखने वाला कोई हो।
कोई हो जो मेरे लिए रातों को जागे, जो हो मेरे लिए कोई जान पेश करके आए। तो उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात को पैदा फरमाया। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, हुसन का, मोहब्बत का, रहमत का वो खजाना। वो फरमाता है कि मैं ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। मुर्शिद रूमी कमाल करते हैं, आप फरमाते हैं, कुंतु कंजन रहमतन मख्फियतन, कुंतु कंजन रहमतन मख्फियतन, फंबास्तो उम्मतन महदियतन। मुर्शिद रूमी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं एक रहमत का छुपा हुआ खजाना था, तो मैंने फिर फम बास तो उम्मतम महदियतन, मैंने एक हिदायत याफ्ता उम्मत को पैदा फरमाया। उसने अपना जहूर चाहा कि मैं जाहिर हो जाऊं, और अपने जहूर के लिए अपने हबीब को पैदा फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु वलद्दीन कुल्ले। फरमाया खुदा वो है, उसका तारुफ पूछना चाहते हो, तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है, तुम्हें उसने किस लिए पैदा किया, क्यों पैदा किया, तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है, सब कुछ तुम पहचानना चाहते हो, तो क्या करो, मेरे महबूब को देख लो, मेरे रसूल को देख लो। खुदा वो है जिसने अपने रसूल को भेजा बिल हुदा, हिदायत के साथ, वदीन हक और दीन हक अता फरमा के, लियुज़हिरहु वलद्दीन कुल्ले, ताकि उनके दीन को सारे दीनों पे गालिब कर दे। वकफा बिल्लाहि शहीदा, और वो सबसे बड़ा गवाह है, और उससे काफी है वो गवाही के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब की रिसालत की गवाही खुद इरशाद फरमा रहा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से अल्लाह पाक ने पूरे जहान को मुनव्वर किया, और आपकी तखलीक से फिर अल्लाह ताला ने बाकी चीजों को पैदा फरमाया। और असल उस हुसन का अक्सो परतो है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाया है, जिनके सदके फिर आगे सारी कायनात बनी है। इसी वजह से आज भी किसी जगह वो हुसन जलवागर हो जाए तो इश्क बेताब होके सामने आ जाता है। तीरा उतार है जहां गर्दशे आफ्ताब से, तबे जमाना पैदा कर जलवाए बेहिजाब से। इकबाल फरमाते हैं कि जिस वक्त भी जमाने के अंदर कोई तब्दीली तगैर आ जाता है, तो उस वक्त अगर जमाने को अपनी असल हालत पे लाता है तो वो जलवाए मुस्तफा है। तीरा उतार है जहां गर्दशे आफ्ताब से, तबे जमाना पैदा कर जलवाए बेहिजाब से। एक वक्त वो भी आया सन 5 हिजरी में, जिस वक्त ततार खानियों ने हमला किया और मुसलमानों को शहीद किया, बगदाद शरीफ के ऊपर हमला किया, और तकरीबन कोई 50 लाख के करीब मुसलमान शहीद कर दिए, 9 लाख उलमा शहीद कर दिए। तहिया उन्होंने ये किया कि हमने दीन को ही खत्म कर देना है, और दीन के मानने वाले सारे मुसलमानों को खत्म कर देना है। तो उस वक्त एक हजूर सैयदना गौसल आजम रजी अल्लाह तआला के मुरीद मौजूद थे, उनको आका दो जहां सल्लम ने हुक्म फरमाया और फरमाया कि जाओ जरा ततारियों को कलमा पढ़ाओ। वो उठे और जाके उनके ऊपर एक नजर करम डाली, वही ततारी जो मुसलमानों को कत्ल करने के दरपहर थे, उन सब की जबान पे कलमा हक जारी हो गया। अल्लामा इकबाल इस मकाम पे फरमाते हैं, अयां यौरशे ततार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। है अयां यौरशे ततार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। काबे को पासबानों की जरूरत थी, जो सनम खाने में बैठे थे मेरे आका के एक जलवे की झलक ने उनको मुसलमान बना दिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये जलवा, ये हुसन, ये शुरू से लेकर आज तक हमेशा के लिए जब ये कायनात के सामने जाहिर होता है तो फिर इश्क बेताब होके सामने आ जाता है। आला हज़रत अज़ीम और बरकत इस मकाम पर आप फरमाते हैं, ये किसी का हुस्न है जलवागर के तपा है खूबों के दिल जिगर, ये किसी का हुस्न है जलवागर
के तपा है खूबों के दिल जिगर, नहीं चाक जेबे गुलो सहर के कमर भी सीना फगार है, नहीं चाक जेबे गुलो सहर के कमर भी सीना फगार है। अलग के शेर जरा होते मुश्किल है लेकिन समझ आ जाए तो लुत्फ बढ़ाता है। अलग फरमाते हैं कि ये हजूर के हुसन की जलवागारी हुई, जो सारी कायनात के महबूब समझे जाते हैं उनके दिल भी तड़पने लग गए। ये किसी का हुसन है जलवागर के तपा है खूबों के दिल जगर, नहीं चाक जेबे गुलो सहर के कमर भी सीना फगार है। फरमाया हजूर की आमद हुई तो सुबह ने भी अपना दामन खोल दिया कि हजूर तशरीफ ले आए हैं, फूलों ने अपना दामन चाक कर दिया कि हजूर जलवागर हो गए हैं, और चांद ने भी अपना सीना खोल दिया कि हजूर तशरीफ ले आए हैं, मेरे अंदर भी नूर तुम्हारा ही फाटे मार रहा है। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा इन लफ्जों के साथ दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मन तफत्तकत मिन नूरिहिल अजहार, जिसका तर्जमा यह है कि ऐ अल्लाह दुरूद भेज उस जात पर जिनके नूर की भीख लेकर चमन में फूल खिलते हैं, जिनके नूर की भीख लेकर चमन में फूल खिलते हैं। अल्लाह हज़रत इसी का तर्जमा फरमा रहे हैं, दलायलुल खैरात के अंदर ये वजीफा मौजूद है। फरमाया ये जिसने दुरूद पाक पढ़ लिया ना, दुनिया के बाकी हुसन तो चंद लम्हों के लिए होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ये नामे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये दुरूद ऐसा है कि कब्र की सख्ती भी इस हुसन को खत्म नहीं कर सकती है। ये हुसन फिर भी बरकरार रहेगा, मौत भी आ जाएगी ये, लेकिन ये हुसन खत्म नहीं हो सकेगा। जिसका लफ्ज ये है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मन तफत्तकत मिन नूरिहिल अज़हार, ऐ अल्लाह उस जात पे दुरूद भेज जिनके नूर के भीख लेकर चमन में फूल खिल रहे होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नूर मुबारक कायनात के जर्रे जर्रे में जलवागर है, और जिस वक्त वो अपने जौबन पे आता है और अपना तजल्ला लोगों के सामने जाहिर फरमाता है तो उस वक्त फिर लोग बेताब होकर आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने भी बन जाते हैं, मोहब्बत की दौलत उनको नसीब भी हो जाती है। मेरे पास तबरानी शरीफ किताब मौजूद है जिसमें यह लिखा है कि हजरत हरमला हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, और ये तबरानी शरीफ की सफा नंबर 392 पे हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए हजरत हरमला और आके अर्ज की या रसूलल्लाह अल ईमान हाहुना वन निफाक हाहुना, इशारा करते हुए कहने लगे या रसूलल्लाह ये जो मैं कलमा शरीफ पढ़ता हूं ना, सिर्फ जबान कलमा पढ़ती है, दिल के अंदर ईमान नहीं है, दिल कलमा नहीं पढ़ता, दिल के अंदर तस्दीक नहीं है, तो आप मेहरबानी फरमाए मेरा भी दिल पाक फरमा दें। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजूर की खिदमत में हाजिर, हजूर मेरे दिल का इलाज फरमा दें। अल्लाह ने आपको भेजा ही दिलों के तज़किया करने के लिए है, दिल पाक फरमा दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, आपने फरमाया उनकी जबान का एक किनारा पकड़ के मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा जअल लहू लिसानन सादिका व कल्बन शाकिरा वरज़ुक़ हुब्बी व हुब्ब मन युहिब्बुनी। हजूर साहब ने फरमाया ए अल्लाह इनकी जबान को सच्चा कर दे और इनके दिल को मेरा प्यार भी दे दे, मेरे गुलामों का प्यार भी अता फरमा दे, इनके दिल को मेरा प्यार भी दे दे, मेरे गुलामों का प्यार भी दे दे। एक तो यह पता चल गया ना कि जो निफाक है ना उसका इलाज मोहब्बत है, और हजूर इस्लाम की कमली वाले आका की मोहब्बत वो दिल की मुनाफकत का इलाज है, और पता चला कि ये इलाज जो करना है, जो दिल को पाक करना है, ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने आके दिल को पाक करना है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इस मकाम पे, आप फरमाते हैं चू बना में मुस्तफा खानम दरूद, अज खजालत आप मी गर्दद वजूद, इश्क में गोयत किया है महकूम गैर, सीना ए तू अज बुता मानिंदे दैर। इकबाल कहते हैं जब मैं दुरूद पाक पढ़ने लगता हूं ना, जबान सिर्फ पढ़ती है दिल नहीं पढ़ रहा होता, तो उस वक्त मेरा जिस्म पानी पानी हो जाता है, मैं कहता हूं कि इश्क मुझे कहता है कि ए महकूम गैर, ए गैर का हुक्म मानने वाले और हजूर के हुक्म से रूगर्दानी करने वाले, तेरा दिल जो है वो तो बुतों से भरा हुआ है, तुझे कलमा शरीफ पढ़ने का क्या फायदा होगा,
تیرا دل تو بتوں سے بھرا ہوا ہے، فرمایا اس لیے کہ جب تک کملی والے آقا اپنے دستے کرم سے تیرا دل پاک نہیں کریں گے، اس وقت تک دل کی طہارت تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ جس وقت تک حضور علیہ السلام کی کرم نوازی نہ ہوئی، حضور نے اپنے ہاتھ سے اور دستے کرم سے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، جس کو چاہیں اپنا نائب بنا کر اس کے صدقے سے اپنا کام کروائیں، دل کی طہارت انہوں نے کرنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ دعا دی ہے، اللہ ان کو میری محبت بھی عطا فرما، میرے غلاموں کی محبت بھی عطا فرما۔ انہوں نے جس وقت یہ کیفیت اپنے سینے میں محسوس کی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے جیسے کئی اور لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی کیفیت رکھتے ہیں کہ صرف زبان کلمہ پڑھتی ہے، دل میں کیفیت نہیں ہے، دل میں وہ نور جلوہ گر نہیں ہے جو کیفیت انسان کو مومن ہونے کی وجہ سے محسوس ہونی چاہیے۔ ایمان کی ایک لذت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے جو سینے میں ہر وقت محسوس ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں ان میرے جیسے جو باقی بھی تھے ان کو بھی لے کر آتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا نہیں، جو خود چل کے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کا دل پاک فرما دیں گے۔ جو خود آئے گا نا ہم اس کا دل پاک کریں گے، اور جو برتن ہی الٹے کر کے رکھ لے، برانے کرم برس رہا ہو اور خود ہی وہ منہ موڑ لے، جس طرح منافقوں کی نشانی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا رسول اللہ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جب منافقوں کو کہا جائے نا آؤ رسول پاک کے دربار میں، حضور اسلام کے دربار میں حاضر ہو تاکہ حضور اسلام تمہارے یہ استغفار کریں، تمہارے دل کو پاک کریں، تو آگے سے کیا کرتے ہیں، لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا چونکہ ان کے اندر اپنے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوئی اس لیے وہ محروم رہ گئے، اور جن کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی ہے ارتباط سوز درو ذوق دین سے، ورنہ جگر کہا میری چشمے تر کہا، جس کے دل میں ذوق تو پیدا ہونا، طلب تو پیدا ہو، جب دل میں طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ پاک کرم نوازی بھی ضرور فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کا کرم تو طلب کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ جب کرم فرمانا چاہے تو بغیر طلب کے بھی بہت کچھ عطا فرماتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، ماں نبود مو تقاضا ماں نبود، لطف تو نہ گفتہ ماں میں شنود، ہم کچھ نہیں تھے نہ ہی کوئی ہمارا مطالبہ ہے، نہ کچھ ہمارا مطالبہ تھا، تیرے کرم نے ہماری نہ کہی ہوئی بات کو بھی سن لیا ہے۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، عطائے عرب جلائے کرب فیوزے عجب، بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔ عطائے عرب جلائے کرب، عرب فرماتے ہیں کہ اربوں نعمتیں اللہ عطا فرما رہا ہے، جلائے کرب اربوں مشکلیں بھی دور ہو رہی ہیں، فیوزے عجب بغیر طلب، بغیر مانگے ہی خدا دیے جا رہا ہے، فیوزِ عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔ یہ ساری نعمتیں تو اللہ کملی والے آقا کے صدقے عطا فرما رہا ہے، حضور کے صدقے اللہ رب العالمین یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ایمان والی ہے، اور ایمان اصل اس کا مرکز دل ہے، اور یہ دل میں تب جلوہ گر ہوتا ہے جب کملی والے آقا کی نظر دل پہ پڑ جاتی ہے، اور دل کے اوپر ان کا تصرف مان لیا جاتا ہے، تو وہ کرم کریمانہ فرماتے ہوئے انسانوں کے ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں، انسانوں کے دل کو بھی پاک فرما دیتے ہیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، رسول وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین ہدایت عطا فرما کے، تاکہ ان کے دین کو وہ باقی سارے ادیان کے اوپر غالب کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دین متین ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ نے دو ذمہ داریاں اپنے ذمہ کرم پہ لی ہیں، ایک تو اس دین کی حفاظت اور دوسرا اس دین کا غلبہ، حفاظت اور غلبہ دونوں چیزیں۔ اس لیے آج تک آپ صدیاں گزر گئیں، جس طرح دین پاک پہلے تھا آج بھی اسی طرح اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اس کا آخر وجہ کیا ہے، انبیاء علیہ السلام پہلے بھی دین لے کر آتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام کا دین اب بھی اسی طرح جلوہ گر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے میرے کاروا اور اس کے محافظ خود کملی والے آقا ہے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، ان کے صدقے، علت یہ بیان فرمائی، ان کی وجہ سے ہم دین کو غالب بھی کریں گے اور دین کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، موجم طبرانی کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے،
हजूर की खिदमत में एक 10 साल के बच्चे जिनका नाम हजरत तलहा बिन बरार रजी अल्लाह तआला ने, वो हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आते ही हजूर इस्लाम के हाथ भी चूमे, हजूर के पांव भी चूमे, हाथ भी चूमे और पांव भी चूमे। 10 साल की उम्र के बच्चे को कैसे पता चल गया कि हजूर की खिदमत में हाजिर होकर मैंने हाथ भी चूमने, पांव भी चूमे? ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी? ये बच्चों को आज तो हमारे बच्चों को शायद 10 साल की उम्र में कलमा पढ़ना भी ना आता हो। फिर सोचा करें, गौर किया करें कि आखिर कोई कमी जरूर हुई है हमारे अंदर है। और वो दूरी है दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सहाबा किराम सबसे पहली तरबियत ही अपने बच्चों को तज़ीम मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा की तज़ीम देते। इसलिए बच्चे हैं तलहा बिन बरार, हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुए, हाथ भी चूमे पाँव भी चूमे। हुज़ूर ने पूछा, ऐ तलहा तूने मेरे हाथ पाँव क्यों चूमे? अर्ज की, या रसूलल्लाह वल्लाहि इन्नी उहिब्बुका, अल्लाह की कसम हुज़ूर मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। जहाँ मोहब्बत होती है वहां अदब भी होता है। अदब के बगैर कोई दावा मोहब्बत करे झूठा है मोहब्बत के दावे में। इसलिए हुज़ूर का अदब किया है तो उस पर दलील क्या दी? हुज़ूर मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, वाकई बड़ा प्यार करता है? अर्ज़ की, हुज़ूर बड़ा प्यार करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, जा फिर अपने बाप को कत्ल कर दे। तलवार पकड़ी दौड़ पड़े। हुज़ूर ने पीछे से बुलाया, वापस आ जा तलहा, मैं रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं आया, रिश्ते जोड़ने के लिए आया हूँ। मैं रिश्ते जोड़ने के लिए आया हूँ। मैंने ही तो लोगों को वालिदैन का अदब बताया है। मैंने ही तो सारे रिश्ते जो लोग खूनी रिश्ते पैमाल कर रहे थे सबको इज्जतें तो मैंने दी है ना। फल्लफ बैना कुलूबकुम फअसबहतुम बिनिमति इख्वाना, ये तो महबूब की करम नवाजी है कि उन्होंने जो मुतनफर दिल थे उनको अपनी करम नवाजी से जोड़कर उनकी आपस में मोहब्बत बना दी है। हुज़ूर इस्लाम की नेमत की वजह से अल्लाह ने यह किया। तो जिस वक्त उन्होंने हुज़ूर की खिदमत में हाजिरी दी और चंद दिन के अंदर ही वो बीमार हो गए, 10 साल की उम्र है बीमार हो गए। अल्लामा तबरानी लिखते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुबह भी उनकी तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, शाम भी उनकी तीमारदारी के लिए जा रहे हैं। सुबह शाम हुज़ूर उनके पास जा रहे हैं, उनकी तीमारदारी फरमा रहे हैं। आला हज़रत अज़ीम अल बरकत इस मकाम पर बहुत खूब फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजूं करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजूं करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। और हमारे हजूर शहनशाह फरमाते हैं, ताजदार फतेहपुर श्री, आप फरमाते हैं, मेरी मर्ज दा दारू है दर्द तेरा, ताइयो शौक है दर्द वधाउणे दा। मेरी मर्ज दा दारू है दर्द तेरा, ताइयो शौक है दर्द वधाउणे दा। और पता है अहले तसव्वुफ की इस्तेलाह में दर्द किसे कहते हैं? इश्क की कोई सूरत या जिस्म नहीं है। और उलमा सब वो फरमाते हैं, जब इसम मुजस्म हो के सामने आता है तो उसको दर्द कहते हैं। मेरी मर्ज दा दारू है दर्द तेरा, ताइयो शौक है दर्द वधावने दा। और जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। हज़रत अलैहिस्सलाम ने एक रात ये इरशाद फरमाया, हज़रत तलहा बिन बरा के वालिद से फरमाया कि आपके बेटे रात को फौत हो जाएंगे और मुझसे नमाज जनाजा पढ़ाए बगैर तुमने दफन नहीं करना, मैंने खुद इनकी नमाज जनाजा पढ़ानी है। बेटे ने पूछा, अब्बा जान हज़ूर क्या फरमा रहे थे? तो अब्बा जान ने फरमाया, बेटा हज़ूर फरमा रहे थे कि तूने रात को फौत हो जाना है और तेरी नमाज जनाजा हज़रत अलैहिस्सलाम ने खुद आके पढ़नी है। अर्ज करने लगे कि अब्बा जान नहीं, हजूर को तकलीफ नहीं देनी, जिस महल में मैं रहता हूँ ना उधर यहूदी भी कुछ रहते हैं, हो सकता है रात के वक्त हजूर तशरीफ लाएं और कोई हजूर को तकलीफ पहुंचा दे, क्यामत तक लोग मुझे कहते रहेंगे तलहा तेरी वजह से हजूर को तकलीफ पहुंची है, मेरी तो हजारों जाने हूं तो हजूर के नाम पर कुर्बान की जा सकती, करूं तेरे नाम पर जहां फिदा, ना बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं।
अर्ज किया, अब्बाजान जब मैं फौत हो जाऊं तुमने खुद मुझे दफन कर देना है, जनाजा पढ़ा देना है। सच्ची मोहब्बत हुई कि हुजूर खुद ही तशरीफ ले आएंगे। अब्बा जान ने नमाज जनाजा पढ़ाई, दफन कर दिया। तबरानी हदीस पाक अर्ज कर रहा हूं, सुबह हुई हुजूर अलैहिस्सलाम करमे करीमाना फरमाते हुए चल के उनकी कब्र पे तशरीफ ले गए। खुद प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कभी आज तक आपने नहीं देखा होगा कि दरिया चल के प्यासे के पास जाए। ये मेरे आका की करम नवाजी है कि हजूर चल के प्यासों के पास जाते हैं। और हजूर इस्लाम ने यह ऐलान फरमाया था, फरमाया इन कब्रों में अंधेरा होता है। इन हाजिल कबूर जुल्मतुन ममलूवतुन अला अहलिहा व इन अल्लाह तआला युनव्विरु हालहुम बिसलाती अलैहिम। हजूर ने फरमाया कब्रों में बड़ा अंधेरा होता है, जिस वक्त मैं नमाज जनाजा पढ़ता हूँ ना तो कब्र नूरुन अला नूर बन जाती है। सही बुखारी में मौजूद है। हजूर कब्र पे चल के तशरीफ ले गए और हजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई कब्र पे, और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ मांगी। दुआ के लफ्ज़ सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। हाथ उठाए और दुआ मांगी, और दुआ के लफाज ये थे, अल्लाहुम्मल्का तलहता तदहकु इलैहि वहुवा यदहकु इलैक। ऐ अल्लाह, ये बच्चा, ये आशिक, ये तेरे दरबार में आया है, तुझे इस हाल में मिले, मुलाकात करे कि तू इसको देख के मुस्कराए, ये तुझे देख के मुस्करा रहा। पता क्या चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दर की हाजिरी नसीब हुई, खुदा भी खुश होकर मिल रहा है। अल्लाह मल कतल हाता तद हाकू इलेही वाह यद हाकू इलेही। अल्लाह फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह करे कि दिल जो है वो हुजूर की दहलीज पे ही जम के रह जाए, हुजूर के दरवाजे से ही जम के रह जाए, इधर उधर की ना। हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी रजी अल्लाह तआला के बारे में मैं पढ़ रहा था, एक दिन वो ताबी हैं और उनको अस्वद अंसी जो झूठा नबूवत का दावेदार था उसने कैद कर लिया, और कैद में उसने हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी को बुलाया और पूछा कि क्या तुम मुझे भी नबी मानते हो, अस्वद अंसी झूठा नबूवत का दावेदार। उसने कहा मुझे नबी मानते हो? तो आपने कान की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं बह रहा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं बह रहा हूं। उसने कहा क्या तू मदीने वाले आका को अल्लाह का रसूल मानता है? आपने फरमाया हाँ मैं मानता हूं। फिर उसने कहा मुझे भी नबी मानता है? नहीं मैं बह रहा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं सुनाई नहीं। ये हकीकत है, ये नहीं कि कोई वो मसनूई ऐसे कर रहे थे। बस मोहब्बत जब उरूज पे पहुंच जाती है तो फिर हर गैर से कान बंद हो जाते हैं, हर गैर की तरफ देखने से आंखें बंद हो जाती हैं, बस हर तरफ फिर महबूब का जलवा ही नजर आता है। बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप इस मकाम पर फरमाते हैं, छड़ बुलिया पुरानी बस्ती नो, कर बाद तू यार दी हस्ती नो, छड़ बुलिया पुरानी बस्ती नो, कर बाद तू यार दी हस्ती नो, जड़े चढ़ गए इशक दी मस्ती नो, ओ हो गए निसुमन बुकमन हम, जड़े चढ़ गए इशक दी मस्ती नो, ओ हो गए निसुमन बुकमन हम। हजूर का जलवा देख लिया, अब किसी की गुंजाइश रह गई है बाकी? फरमाया मैं बह रहा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, बस मैं हजूर को मानने वाला हूं। जब ये कैफियत कभी बन जाए ना मुसलमानों की, तो आज की ये जो जबू हाली बजाहर नजर आ रही है, सब का इलाज यही है। हजूर अलैहिस्सलाम के साथ कल्बी ताल्लुक बन जाए। ये तो बदअकीदा लोगों ने हजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे से लोगों को दूर हटाने की कोशिश की है, और उस बारगाह से ताल्लुक जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐ तहिया ज़ौको शौको सोजो दर्द, तू चे दानी असरे माँ बा माँ चे कर्द, असरे माँ माँ राज माँ बेगाना कर्द, अज निगाह मुस्तफ़ा बेगाना कर्द। इकबाल कहते हैं ज़ौक शौक से खाली इंसान, तुझे पता है दिल में ज़ौक शौक क्यों नहीं आता? इसलिए कि तेरे जमाने वाले लोगों ने बहुत बड़ा तेरे ऊपर जुल्म कर दिया है। क्या जुल्म किया है? फरमाया तुझे कमली वाले आका के फैज से तुझे दूर करने की कोशिश की है, ताकि हजूर का नूर जो है वो तेरे सीने से छीन लिया जाए, इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अगर अपने सीने को, और मुझे इस लिहाज से ये भी अफसोस होता है कि आज से तकरीबन 150 साल पहले जितने भी इख्तलाफात आपस में मौजूद थे,
किसी का भी हजूर इस्लाम की जात के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं था। हजूर की जात पे सब मुत्तफिक थे, हजूर की शाने सब मानने वाले थे, हजूर के कमालात को सब मानते थे। ये तो जुल्म हुआ कि बदअकीदगी ने जन्म लिया, जिसकी वजह से लोगों ने हजूर की जात को ही मुतनाज़ा बना के रख दिया, हजूर के कमालात को ही मुतनाज़ा बना के रख दिया। कोई कहता है नहीं वो हैं, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है सुनते हैं, कोई कहता है नहीं सुनते। ये तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये तेरे जमाने वाले लोग तेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इनकी तरफ कान न धर, कमली वाले आका के दरबार के करीब हो जा, हजूर नजर करम फरमाएंगे, सारा फैज भी अता हो जाएगा, बेड़ा पार भी हो जाएगा। इबन अभी दुनिया ने, मैं आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, इबन अभी दुनिया ने हुस्न जन बिल्लाह ताला के अंदर सही सनद के साथ लिखा है, हदीस पाक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि क़यामत के दिन एक बंदे के बारे में हुक्म होगा कि इसको दोज़ख में लेके जाओ, तो उसकी नेकियां जो है वो कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, फरिश्ते लेकर जा रहे होंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अदुल इस्लाम से अर्ज करेंगे कि आपका उम्मती जो है उसके लिए ये हुक्म हो चुका है, तो हजूर फरिश्तों को बुलाएंगे वापस लेकर आओ। फरिश्ते वापस लाएंगे, फरिश्ते अर्ज करेंगे हजूर इसकी नेकियां थोड़ी थी, गुनाह ज्यादा थे। हजूर फरमाएंगे जरा मेरे सामने दोबारा तोलो, मैं खुद सारी चीजों का मुशाहदा करता हूँ। हजूर के सामने जब दोबारा तोला जाएगा, वाकई से ही सूरत हाल नेकियां थोड़ी होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। हजूर साहब अपनी जेब मुबारक एक सफेद रंग का टुकड़ा निकालेंगे कागज का, और उसकी नेकियों वाले पर्दे में रखेंगे, नेकियों वाले पर्दे में रखेंगे तो वो नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, और उसको अल्लाह ताला बख्श देगा और उसके लिए जन्नत लिख दी जाएगी। वो बंदा बड़ा हैरान होगा और अर्ज करेगा कि ये ऐसी कौन सी नेकी थी जो नामा आमाल में भी नहीं थी, नामा आमाल में होती तो तुल जाती ना, ये कौन सी ऐसी नेकी थी? तो हुज़ूर सलाम फरमाएंगे ये वो तेरा दुरूद है जो तू मेरे ऊपर पढ़ा करता था। मैंने जो बात यहां पर अर्ज करनी है बड़ी मशहूर हदीस पाक है, अर्ज ये करनी है कि अगर वो दुरूद पाक जबान से पढ़ा होता तो वो नामा आमाल में लिखा हुआ मौजूद ना होता। फरिश्ते हर चीज लिखते हैं, मा यल्फज मिन कौल इल्ला लदैहि रकीब अतीब, जो बंदा बोलता सब फौरन लिख लिया जाता है। अगर जबान से पढ़ा होता तो वो नामा आमाल में लिखा हुआ जरूर होता। पता ये चला कि ये वो दुरूद पाक है जो दिल से पढ़ा हुआ है, दिल से पढ़ा हुआ दुरूद जो फरिश्ते भी नहीं सुन रहे, वो कमली वाले आका सुन रहे हैं, हजूर सुन रहे हैं। हाँ ये इख्तलाफ बन गया कि नहीं वो नहीं सुनते, फरिश्ते पहुंचाते। मैंने कहा कितने अफसोस की बात है कि जिन चीजों का किरामन कातिबीन को पता नहीं होता, उन चीजों का हजूर को पता जरूर होता है। किरामन कातिबीन म्यान आशको माशूक रमजेस, क्या मन कातिबीना हम खबर नेस, कि माशूक और आशक के दरमियान, मुहिब और महबूब के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक होता है और ऐसी निस्बत होती है कि जिसका किरामन कातिबीन को भी पता नहीं होता। अपने दिल से दुरूद जो पढ़ा जाता है ना, वो हजूर खुद सुनते हैं, हजूर सुन रहे होते हैं। जो फरिश्ते नहीं सुन सकते, जो दाएं बाएं कंधों पर बैठे हुए फरिश्ते हैं, जो महरूम रह जाते हैं, वो हजूर खुद सुन रहे होते हैं। बल्कि शेख अब्दुल हक मुतज़िली रहमतुल्लाह ने तो कमाल कर दिया है। आप फरमाते हैं ये जो हम नमाज में बैठ के हजूर की जात पे दुरूद पढ़ते हैं ना, सलाम पढ़ते हैं, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबियो, सलाम हो आप पर ए नबी, सलाम हो आप पर ए नबी कहते हैं ना, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। शेख अब्दुल हक मुतज़िली फरमाते हैं ये क्यों कहा जाता है, फरमाते इसलिए कि ई खिताब बजहते सुरियान हकीकत मुहम्मदियास्त, के दर जरारे मौजूदात व अफराद मुमकिनात, खुसूसन दर जवात मुसलियान, पस मुसलीरा बायत के अजीम शहूद आगा बाशद, व जाहिल व गाफिल न बाशद, ताबानवार कुरब फायज व मुतनवर करदर। इसका तर्जमा यह है, शेख अब्दुल हक मुतज़िली भी फरमाते हैं कि ये जो हजूर को हम अर्ज करते हैं ना कि हजूर आप पे सलाम हो, ये इसलिए अर्ज करते हैं कि ई खिताब बजहते सुरियान हकीकत मुहम्मदियास्त, कि ये हजूर अलैहिस्सलाम की उस हकीकत से खिताब है, हजूर की हकीकत को बंदा कह रहा होता है। वो हकीकत कहां पे है कि दर जरारे मौजूदात व अफराद मुमकिनात, के कायनात के जर्रे जर्रे में उन्हीं की जलवागरी है, खुसूसन दर जवात मुसलियां, खुसूसन जो नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है ना, वो नमाज की हालत में हजूर के जलवे के साथ वो बैठा, हजूर का नूर उसके सामने होता है। पस मुसल्ली रबायद, नमाजी को चाहिए कि वो इससे आगा रहे, गाफिल ना हो, ताबानवारे पुरब फायज व मुतनवर गर्दद, ताकि हजूर अलैहिस्सलाम के नूर से अल्लाह उसके दिल को भी मुनवर फरमा दे। आला हज़रत अज़ीम उल बरकत फरमाते हैं वही जलवा शहर ब शहर है, वही असल आलम दैर है,
वही जलवा शहर बशहर है, वही असल आलम दैर है, वही मौज है वही लहर है, वही पाट है वही धार है। अगर हजूर का वो जलवा वो इशक वो मोहब्बत नसीब हो जाए, वो नूर नजर आ जाए, लेकिन ये खुदा की कुदरत है, जिसको चाहता है अपने महबूब का नूर दिखा देता है। जिस रात हजूर की विलादत हुई, बुतों ने भी सजदे में गिर के उस वक्त ये कहा था, तरद्दाल मौलूद इन अदात बिनूर शर्क वल गरब, उस बच्चे की विलादत हो गई जिसके नूर ने मशरक से लेकर मगरब तक सारी कायनात को रोशन कर दिया है। खुदा अगर नूर दिखाना चाहे ना अपने महबूब का, तो वो बुत जो पत्थर के बने होते हैं उनको भी नजर आ जाता है, जिनकी आंखें सीमेंट की बनी होती हैं। खुदा नूर दिखाना चाहे तो वो पत्थरों बुतों को भी नजर आ जाता है, और ना दिखाना चाहे तो अच्छे खासे इंसान मोटी मोटी आंखों वाले मरूम रह जाते हैं। ये तो खुदा की कुदरत है। आदत फरमाते हैं, जिस तरफ देखो हर तरफ हजूर का जलवा नजर आता है। काश के वो नूर की वो तजल्लियात हमें भी नसीब हों, और हमारे दिल को भी अल्लाह ताला ज़ौक शौक और अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहमदुका या मन ला नाक़िस लिमा अतैता वला मुआरिदा लिमा कदैता वला शाहिदा लिसुबूतिमा नफैता वनुसल्ली आला मन अरसलतहु खैर दलीलिन लिमन हदैता वाला आलिही वासहाबिही लजीन लहुम मुनाजिरतुन फी तक्वियतिमा औहैता। अम्मा बादु, फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم। لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد। آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूल अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल आली वस्साहबी सुम्मत ताबिईन फहुम अहलुत्तुका वन्नुका वल हिल्म वल करमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीयुम व अन उस्मान ज़ी करमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। जर्रे आब के मिलते हैं, जर्रे आब के मिलते हैं तो कतरा पानी बनता है, जर्रे आब के मिलते हैं तो कतरा पानी बनता है, कतरे चंद जो मिलते हैं तो चुल्लू पानी बनता है। चुल्लू चंद जो मिलते हैं सूरत जौहर की बनती है, जौहर चंद जो मिलते हैं तो चश्मा उसको कहते हैं, चश्मे चंद जो मिलते हैं भरपूर नदी फिर बहती है, नदियां चंद जो मिलती हैं तो सूरत दरिया की बनती है, दरिया चंद जो मिलते हैं तो समंदर उसको कहते हैं। बस बात फकत इतनी सी है कि शाने अंबिया की जब मिलती हैं तो मोहम्मद उसको कहते हैं, बस बात फकत इतनी सी है कि शाने अंबिया की जब मिलती हैं तो मोहम्मद उसको कहते हैं। मेरे वाजिब उल एहतराम ज़वील एहतिशाम अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू की बारगाह में दुआ है कि रब्बिल लम यज़ल इस बंदा नचीज को इनायत करीमा का सही सही मफहूम बयान करने, तुम सबको समझने, हम सबको इस पर अमल पैरा होने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। मेरे वाजिब उल एहतराम कि आज जिस मौजू पे लबकुशी करने का मौका हासिल हुआ है,
वो है ताल्लुक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के दराजात और उन पर फैज होने वाले खुश नसीब लोगों की कैफियतें। मेरे वाजिब उल एहतराम, ये मुसल्लमा हकीकत है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात के साथ मानवी ताल्लुक को ईमान कहते हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात के साथ तीन ताल्लुक तीन दराजात हैं। जिस तरह दराजात कमाल को पहुंचते जाते हैं, इसी तरह इंसान का ईमान भी कमाल को पहुंचता जाता है। और उन ताल्लुकात में से पहला ताल्लुक जिसको ताल्लुक ताल्लुक एतिकादी बोलते हैं, ताल्लुक एतिकादी ये होता है कि दिल से तस्दीक, जुबान से ला इलाहा इल्लल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का इकरार करना, ये ताल्लुक ताल्लुक एतिकादी है। और ये ताल्लुक एतिकादी के दो मुतालबे हैं, ये कुछ हमें देना चाहता है, ये ताल्लुक कुछ हमसे लेना चाहता है। और ये ताल्लुक हमसे लेना ये चाहता है, फरमाता है कि जब तुमने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जात बाबरकात की दिल से तस्दीक और जुबान से इकरार कर लिया, अब तुम उस जात बाबरकात की इताअत करो और अपनी वसत और ताकत के मुताबिक दीन की खिदमत और मदद करो। और ये ताल्लुक एतिकादी हमसे इस बात का मुतालबा करता है और ये ताल्लुक ताल्लुक रखने वालों को रिफात और बुलंदी अता फरमाता है। अब इसकी एक मिसाल समझें, ये जूता आपके और मेरे पांव में हो तो हमारे साथ निस्बत पाके इतनी घटिया हकीर शय बन जाता है, किसी को मारना तो अलग रहा, उठा के दिखा दो उसकी तोहीन हो जाती है। ये जूता आपके और मेरे पांव में आ जाए तो हमारे साथ निस्बत पाके इतनी हकीर शय बन जाता है, किसी को मारना तो अलग रहा, उठा के दिखा दो उसकी तोहीन हो जाती है। लेकिन कुरान फरमाता है अगर यही जूता किसी पैगंबर के कदमों में चला जाए तो फरिश्ते अदब एहतराम से सर पे उठा के चलते हैं। फरमाए कि ताबूत सकीना का जिक्र है सूरत बकरा में। ताबूत सकीना वो एक संदूक को कहते हैं, उस संदूक में एक पैगंबर के नालैन भी थे, जो मर्जी तफसीर उठा के देखें तो कुरान फरमाता है तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते उसे अदब एहतराम से सर पे उठा के चलते हैं। फरमाए कि ये पहला ताल्लुक ताल्लुक एतिकादी था, जब ये ताल्लुक अपने कमाल और इंतहा को पहुंचकर मोहब्बत में ढलना शुरू होता है तो उस वक्त ताल्लुक ताल्लुक हुब्बी का आगाज हो जाता है। और वो ताल्लुक हुब्बी जिस वक्त इंसान को हासिल हो जाता है तो इंसान की कैफियत क्या बन जाती है, वो इंसान को जब ताल्लुक हासिल हो गया तो इंसान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सामने, अगर उनकी वालिदैन रिश्तेदार जिसकी भी मोहब्बत टकरा रही हो, हत्ता के वालिदैन की ही क्यों नहीं, जिस वक्त मोहब्बत टकरा रही हो वो इंसान वालिदैन की मोहब्बत को ठुकरा कर दामन करम से लिपट जाता है। तफसीर इब्ने कसीर में जिल्द 3 सफर नंबर 539 में हदीस पाक मौजूद है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशर्रफ भाई सलाम हुए तो उनकी वालिदा बूढ़ी थी, वो कहने लगी साद बिन अबी वक़ास दामन इस्लाम को छोड़ दो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो, वापस आ जाओ वगरना मैं मर जाऊंगी। ये धमकी दी, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिदा को जवाब दिया, फरमाने लगे अय वालदा तू मुझे किस बात की धमकी देती है, एक जान की धमकी देती है। फरमाया सुन, लौकानत लक अल्फ नफ्सिन फखरजत शयन फशयन मा तरक्तु दीनी हाजा लि शयइन। कहने लगे अय वालदा तेरी एक जान है, एक जान की वजह से तू मुझे धमकी देती है मैं दामन मुस्तफा छोड़ दूं। फरमाया सुन, अगर अल्लाह ताला तुझे हजार जान दे और हजार मरतबा तेरी जान निकलती रहे, हजार मरतबा तेरी जान निकलना देख सकता हूं, मुस्तफा का दामन एक लम्हा के लिए छोड़ नहीं सकता। इसीलिए फरमाया कि ये ताल्लुक ताल्लुक हुब्बी था जिसको मोहब्बत रसूल कहते हैं। जब ये ताल्लुक पुख्ता हो जाता है और मजबूत हो जाता है, मोहब्बत बिखरना निखरना शुरू हो जाती है, उस वक्त ये ताल्लुक तीसरे ताल्लुक के साथ मिल जाता है जिसको ताल्लुक ताल्लुक इश्की कहते हैं। और वो ताल्लुक इश्क रसूल जिसको हासिल हो जाए वो इंसान आशिक रसूल कहलवाता है। और जिस इंसान को ये ताल्लुक हासिल हो जाए तो उसकी कैफियत क्या हो जाती है, उसको वो लुत्फ
इबादतों में, इबादत खुदा में लुत्फ व सुकून नहीं आता जो लुत्फ दीदार मुस्तफा से आता है। बुखारी शरीफ जल्द अव्वल सफा नंबर 93-94 पे हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जमात करा रहे हैं, सहाबाए किराम जमात गिरोह दर गिरोह आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि मैं देखूं कि मेरे सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पीछे इजमा कैसे कर रहे हैं, कैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। फरमाया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की देखो कि लोग कैसे उनकी इक्तिदा कर रहे हैं, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पर्दा हटाया। जब पर्दे की आवाज आई तो कुछ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब हुजूर ने पर्दा उठाया तो हुजूर का नूर झलका, तो सहाबाए किराम को यूं महसूस हो गया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे। तो वो सहाबाए किराम जो हालत नमाज में थे और काबे की तरफ मुंह करके खड़े थे, जब उनको ये महसूस हुआ कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, सबने काबे को छोड़कर दीदार मुस्तफा की तरफ तकना शुरू कर दिया। फरमाया कि ये आका जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा और उनको लुत्फ सुकून ये इबादतों में नहीं मिलता था जो दीदार मुस्तफा से मिलता था। और इमाम की क्या हालत थी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वो तो नमाज को भूल गए और किबला को भूल गए, हत्ता के अपनी जगह को छोड़कर मुस्तफा के दीदार में मसरूफ हो गए। फरमाए कि दुनिया में सैयदना अबू बकर सिद्दीक और काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा करने वाले हस्तियों ने फरमाया कि दुनिया में मुस्तफा के दीदार की खातिर अपनी जगह को छोड़ दिया, कल कयामत के दिन खुद काबा बैतुल्ला दुल्हन बन के महबूब खुदा के दीदार के लिए अपना घर छोड़ के रज़ रसूल पर हाजिरी देगा। तफ़सीर दुरे मंसूर जल्द 1 सफ़ा नंबर 329 में यह मौजूद है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन जाबिरिन قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه زفت الكعبه بيت الحرام الى قبري فتقول السلام عليك يا محمد। फरमाया के हजरत जाबिर फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब कयामत का दिन होगा ज़ुफ़त अल-क़ाबा बैतुल हराम इला क़ब्री, क़ाबा बैतुल्ला दुल्हन बर के मेरी बारगाह में हाजिर होगा, हाजिर होकर अर्ज करेगा फतकूलु अस्सलामु अलैका या मुहम्मद। फरमाया हाजिर होके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात पर सलाम अर्ज करेगा, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फअकूलु व अलैका सलाम या बैत अल्लाह, हुजूर ने फरमाया मैं सलाम दूंगा व अलैका सलाम या बैत अल्लाह। सलाम देने के बाद फिर मैं काबा बैतुल्लाह से पूछूंगा मा सना बिका उम्मती बादी, ए काबा बैतुल्लाह तू ये बता मेरे दुनिया से चले जाने के बाद तूने मेरी उम्मत के लिए क्या किया। फरमाया जिस वक्त मैं सवाल करेगा वो काबा ने जवाब दिया फरमाया के मन आतानी फान तफी है व अकून लहू शफी मल्लम या तेनी फान तकफी है व तकून लहू शफी, तो काबा बैतुल्लाह अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे पास चल के आ गए थे जिन्होंने आकर मेरा दीदार कर लिया था उनको मैं काफी हूं, उनकी शिफात मैं करूंगा, और जो मेरे पास चल के नहीं आ सके فانت تكفيه وتكون له شفيعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم उनके लिए आप काफी हैं, उनकी शिफात आप करेंगे। तो मेरे वाजिब अल इहतराम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को ईमान का कामिल तरीन दर्जा और कमाल सिर्फ और सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ताल्लुक के इश्की की बिना पे मिला था। उनके शब रोज इस बात में गवाह हैं, वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से ताल्लुक रखने वाली चीज पे हर वक्त अपनी जान कुर्बान करते रहते थे। और यही वजह है जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दान फेंकते सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जमीन पे नहीं गिरते देते, अपने हाथियों पे उठा के अपने चेहरे पे मल देते। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते और वुजू के पानी के कतरात सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान आबे हयात समझ के फरमाए उन पे टूट पड़ते, हत्ता के सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का ये अंदाज हो गया फरमाया कि इबादत खुदा पर आराम मुस्तफा को तरजीह दिया करते थे। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बरगुजीद
इबादत गुजार और असर जैसी नमाज इसको सलात वुस्ता कहा जाता है। फरमाया कि हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी असर की नमाज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम पर कुर्बान फरमा दी। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहु ने हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस ताल्लुक इश्की की लाज रखते हुए सुबह अल्लाह तबारक व तआला ने ताल्लुक इश्की की लाज रखते हुए सूरज को वापस लौटाया ताकि हजरत अली शेर खुदा अपने नमाज असर अदा कर सके। तो मेरे वाजिब अल एहतराम, ये जो हुजूर के साथ ताल्लुक इश्की था, ये ताल्लुक इश्की कोई महदूद नहीं था कि हुजूर की विलादत के बाद लोगों को इश्क हो गया हो, नहीं, ये ताल्लुक इश्की हुजूर की विलादत से पहले भी हत्ता के उम्मती तो को जा खुद पैगंबर ही अपनी दुआ में अल्लाह की जात से महबूब की जात मांगा करते थे। सूरत बकरा की आयत नंबर 129 में ये मौजूद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिस वक्त काबा बैतुल्लाह बना लिया, बनाने के बाद हजरत इब्राहिम ने अर्ज की, ऐ रब्बे जुल जलाल, अगर इजाजत हो मैंने तुम्हारा घर बनाया, घर बनाने की उजरत मजदूरी मांग लूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत दी, तो फरमाया रब्बाना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह तुम्हारे घर बनाने की उजरत मजदूरी सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब नबी आखिरुज़ ज़मान हो, नबी आखिरुज़ ज़मान की जो उम्मत हो वो मेरी औलाद से हो और वो नबी भी खुद मेरी औलाद से हो। क्यों, इसकी वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कल जब कयामत के दिन हर किसी को किसी ना किसी निस्बत से पुकारा जाए, फरमाया कि मैं ये चाहता हूं जब मुझे मेरी बारी आए तो मुझे मुस्तफा का दादा कहकर पुकारा जाए और मुझे मुस्तफा का बाप कहकर पुकारा जाए। तो मेरे वाजिब अल एहतराम, जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर दुआ मांगी थी और उस पत्थर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात बाबरकात के कदम आज तक मौजूद हैं। अब ये सवाल जहन में आता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे कदम रखते पत्थर पिघल जाता और पत्थरीली जमीन थी, आपने लाखों हजारों करोड़ों अरबों फरमाए पत्थरों पे कदम रखे होंगे, तो क्या वजह है आपके कदमों के निशान सिर्फ इसी पत्थर पे बाकी हैं औरों पे क्यों नहीं? मेरे वाजिब अल एहतराम, उसकी वजह यह है इस पत्थर को भी निस्बत विलादत मुस्तफा से हो गई है, इस पत्थर का ताल्लुक विलादत मुस्तफा से है, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत इब्राहिम ने इस पत्थर पे खड़े होकर हुजूर की विलादत की दुआ मांगी थी, तो इस पत्थर को भी विलादत मुस्तफा से ताल्लुक हो गया। तो हुक्म हुआ फरमाया कि जिन जिन पत्थरों को विलादत मुस्तफा से हुजूर की जात से ताल्लुक हो गया, फरमाया कि बाकी को हरम कहबा से चुन चुन के बाहर फेंक दो, और जिनको हुजूर की जात से ताल्लुक हो गया उनमें से कुछ को काबा में लगा दो, कुछ को काबा के सहन में लगा दो। फरमाया कि जिनको हुजूर की जात से ताल्लुक हो गया उनमें से एक को काबा के अंदर लगा दिया गया जिसको हजरे अस्वद कहा जाता है, और एक वो जिसको काबा के सहन में लगा दिया गया उसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। इन दोनों को दरअसल निस्बत रसूल है, इसीलिए हुक्म हुआ फरमाया जिस जिसको ताल्लुक और निस्बत होगी जात मुस्तफा से, फरमाया कि उनको महफूज करके रख लो, बाकी को चुन चुन के बाहर फेंक दो। तो मेरे वाजिब अल एहतराम, तो जो मैंने आयत मुबारक तिलावत की थी उस आयत में भी यही ताल्लुक इश्की मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, ला उकसिम बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इस आयत के दो मतलब हैं, पहला यह है कि अगर ला को ज्यादा माना जाए फिर मतलब यह होगा कि मैं शहर मक्का की कसम उठाता हूं। अल्लाह फरमाता है कि मैं कसम उठाने से बेनियाज हूं, कसम उठाने से मुस्तसना हूं, मुझे कसम उठाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं शहर मक्का की कसम उठा रहा हूं। अगर ये ला नाफिया माना जाए फिर मतलब ये होगा कि मैं शहर मक्का की कसम नहीं उठाता। काजी अय्याज इसकी तौजीह बयान करते हैं, जिल्द 1 सफा नंबर 31 में बयान फरमाते हैं, फरमाया कि जब ये फरमाया कि मैं शहर मक्का की कसम नहीं उठाऊंगा, कब? ऐ महबूब, जब आप मक्का छोड़ के मदीने चले जाएंगे, फिर मक्का की नहीं फिर मदीने की कसम उठाऊंगा जिस जगह पे तुम्हारा डेरा होगा और जहां तुम्हारा घर होगा और जिस जगह पे वो फिजाएं तुम्हारे रुखसार को बोसा देती होंगी, जिन खुशबू फरमाया कि जिन फिजाओं में आप सांस लेते होंगे और वो मट्टी जो तुम्हारे कदमों को बोसा देती होगी। ऐ महबूब, उस वक्त शहर मक्का की नहीं उस वक्त शहर मदीने
مدینہ کی قسم اٹھاؤں گا تو میرے واجب الاحترام اب جس کے جی میں آئے وہیں پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہیں پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد افضل قادری صاحب، بڑے ہی محبت بھرے انداز کے ساتھ تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع انہوں نے نبھایا۔ اللہ رب العزت پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کا صدقہ اور اس پاک رات کی ان گھڑیوں کا صدقہ ہماری مغفرت فرمائے، اپنی اپنے محبوب کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، نہیں کوئی سونے جیا اساں ہور ڈٹھا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، نہیں کوئی سونے جیا اساں ہور ڈٹھا۔ شانے نبی دے وچ جو فرق پاوے، سب عاشقاں نے اون چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ہر پاسے پیندا اے شور ڈٹھا۔ پر اللہ والیاں گل مکا چھڈی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ پر اللہ والیاں گل مکا چھڈی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ اور اونوں دسدا اے نور حقیقتاں دا، عشق جدا بصیرتا رکھدا اے گھٹا کملی والے دے جوڑیاں دا۔ سرما ناز فقیر دی اکھ دا اے، پیا ہویا محبوب دی گلی اندر، او ککھ وی سجنا لکھ دا اے۔ تینو بشر دسے مینو نور دسے، فرق اپنی اپنی اکھ دا اے۔ تینو بشر دسے مینو نور دسے، فرق اپنی اپنی اکھ دا اے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے۔ تور موجے از غبارے خانہ عش، تور موجے از غبارے خانہ عش، کعبہ را بیت الحرم کا شانہ عش۔ حضرات گرامی، اب میں گزارش کروں گا فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد اصغر قادری صاحب تشریف لائے، اپنے محبت بھرے انداز سے ہمارے دلوں کو بہرہ ور فرمائے۔ محبت بھرا نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد۔ نعرہ رسالت۔ محمد و محمد و مسلم ونسلم على رسول الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا أنزلنا ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نبي الله۔ أبان مولده وطيب عنصره، يا طيب مبتدعين منه ومختتمي، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يداروه في علم ولا كرم،
فمبلغ الدين فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. صدر مجلس ارباب فکر و دانش حاملین عقیدہ اہل سنت حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت جب بندوں پر اپنا انعام فرماتا ہے، اپنی نعمت عطا کرتا ہے اور اپنا فیض دیتا ہے، تو اس نعمت پر بندوں کو شکر بجا لانے کا حکم بھی فرماتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے، ان کو گناہ کا مرتکب بنتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ لوگوں میں تم پر اپنی نعمت عطا کر رہا ہوں، اور اگر تم میری اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کا فیض تم میں زیادہ کرتا چلا جاؤں گا. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ذہن یک طرفہ ہو گئے ہیں، ہماری ذہنی سوچ صرف ایک سائٹ کا سوچتی ہے، دوسری سائٹ کا تصور نہیں کرتی. اگر قرآن کریم کی اور اسلام کی پوری تعلیمات کو پڑھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بڑی نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت جگہ جگہ پہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا سورہ فطرہ میں، یا بنی اسرائیل اذکر نعمت یلتی انعمت علیکم، کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میرا وہ ذکر، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی. اور پھر فرمایا، جب فرعون کو بنی اسرائیل اتنا ظلم اور جبر اور استبداد کرتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اس فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا اور 90,000 حمل گروائے، اتنا ظلم کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو کہ فرعون تم پر ظلم و جبر کرتا تھا، استبداد کرتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور میں نے تم کو اس کے ظلم سے نجات دی. اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ہمیں، امت مسلمہ کو، کہ وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، کہ مسلمانوں، اے امت مسلمہ، تم یاد کرو کہ میری وہ نعمت جو میں نے تم کو دی، اس نعمت سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزتوں کے لٹیرے تھے، تم ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ نہیں تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے ترپائے تھے، لیکن جب میری نعمت تم پر آئی تو تم اس نعمت کے فیض سے، وہ نعمت کیا تھی؟ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی، تو میرا نبی تم میں آیا اور تم اس سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی عزتوں کے لٹیرے تھے. جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تم میں ہوئی تو وہ جو لوگ تم ایک دوسرے کے لٹیرے تھے، اس نعمت کے آنے سے تم ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے تھے،
वो एक दूसरे के भाई और दोस्त बन गए। ये फैज है उस नेमत का जो अल्लाह ने हम पर फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की सूरत में हम पे फरमाई। और फिर ये तो है जिक्र नेमत, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जब तुम पर मैं अपनी नेमत अता करूं तो तुम उसको जिक्र उसका जिक्र किया करो। और एक है तहदीस नेमत कि जब मेरी नेमत तुम पर आए तो तुम उसका खूब चर्चा किया करो, उसकी शोहरत किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वा अम्मा बि नेमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ मेरे हबीब आप पर जब मेरी नेमत आए तो उस नेमत का खूब चर्चा किया करो, उस नेमत की खूब शोहरत किया करो। अब नेमत क्या है कि हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो ये एक नेमत हम पे आई। तो एक है जिक्र नेमत और एक है तहदीस नेमत। जिक्र नेमत तो ये है कि इंसान किसी नेमत का किसी चीज का जिक्र एक बंदे में या अपने दिल में या दो चार में कर ले तो ये जिक्र नेमत है, तहदीस नेमत नहीं। तहदीस नेमत तब होगी जब उस नेमत का जिक्र किया जाए, उस नेमत की शोहरत की जाए। बड़े बड़े इज्तिमाआत हूं, बड़े बड़े जुलूस हूं, उन जुलूसों में इस बात का जिक्र किया जाए कि ताला अली बद्रो अलैना कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ले आए, ताला अल बद्रो अलैना के राग अलापे जाए, नगमे गाए जाए कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। और इसके बाद मैं मौजूदा सिनेरियो के बारे में जो मौजूदा हालात हैं कि जब नया साल इस्लामी नया साल शुरू होता है तो एक खास किस्म का तबका, खास किस्म के लोग वो एक बात पे जोर देना शुरू कर देते हैं कि रबीउल नूर का महीना शुरू हो गया है और इस महीने में उनके नजदीक जो वो अपनी बकवासात और खुराफात करते हैं मैं वो जिक्र करना चाहता हूं ताकि मैं आपके सामने हर साल जो बात होती है आपके कानों तक भी पहुंचती है वो आपके सामने दोहरा सकूं और उसका यादा करूं और जिक्र करूं कि किन किन सूरतों में किन किन पैराओं में हम पर इस बात का जिक्र किया जाता है कि ये जो जो कुछ तुम करते हो माज अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ये खुराफात है। मंडे का जंग अखबार उसमें एक बड़ी हाईलाइट उसने दी है, ऊपर मिलाद शरीफ का नाम लिख के नीचे जो हाईलाइट दी है उसने ये दी है कि रबीउल अव्वल के महीने में दो बड़े खास और अहम वाक्य हुए हैं। इसको हाईलाइट किया है कि वो दो कौन से खास वाक्य हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और साथ में वफात, ये दो बातें उसने की हैं। और फिर जाहिर है कि ये जो तुम मिलाद करते हो, ये जश्न मनाते हो, ये खुशियां मनाते हो, ये नहीं है कुरान पाक में। कहीं कुरान पाक में इसका जिक्र है तो आइए कुरान पाक से पूछते हैं कि उस पाक पैगंबर के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, ऐ मेरे हबीब ऐ मेरे महबूब आप इनको फरमा दें कि जब मेरा फजल और मेरी रहमत तुम्हारे पास आए और उस फजल और रहमत के मिलने पर तुम खूब खुशियां मनाओ, फल यफ़रहू इसका मतलब है कि खूब खुशियां मनाओ, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन कि लोगों जो कुछ तुम जमा कर रहे हो, जो कुछ इसके अलावा कर रहे हो वो इस सब से बेहतर है कि मेरे इस फजल पर मेरी रहमत पर तुम खुशियां मनाओ। और बेशक कुरान अल्लाह का फजल है, कुरान अल्लाह की रहमत है, ये सब ठीक है, लेकिन ये कुरान अल्लाह का फजल बाद में बना, पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात हमारे लिए रब का फजल पहले बनी, कुरान अल्लाह की रहमत बाद में मिली,
پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہمارے لیے رحمت بنی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب میں نے تو آپ کو رحمتوں کا سر چشمہ بنا کے بھیجا ہے، میں نے سراپا رحمتیں بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ تو پتا چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی۔ پھر یہ بات بڑی زور شور سے کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جشن مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو میلاد پہ آپ کی میلاد پہ آپ کی ولادت پہ آپ خوشیاں مناتے ہیں، وفات پہ غم نہیں کرتے۔ تو اس بات کا اس اشکال کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو خوشی کا نام ہے، اسلام خوشیاں لے کر آیا ہے، غم اور سوگ لے کر نہیں آیا۔ میں ابھی جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ، تو پتا چلا کہ اسلام خوشی کا حکم دے رہا ہے، غم کا حکم نہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام خوشی تو غمی تو تب منائی جائے کہ جب کوئی چیز چھن جائے، سوگ اور غم تب منایا جاتا ہے جب کوئی چیز چھن جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، خوشیاں آئیں، آپ کی شفقتیں آئیں، وہ غم نہیں لے کے آئے۔ تو خوشیاں اور غم یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں خوشیاں ہی دی ہیں، غم کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صدیق اکبر تھے، انہوں نے ترجمہ کیا تو یہی ترجمہ کیا کہ رسول محمد اللہ کے رسول ہیں۔ غوث اعظم آئے، انہوں نے ترجمہ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آج امت ترجمہ کر رہی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بڑی صاف اور سادہ بات یہ ہے کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر غم کیسا؟ غم تو ہوتا ہے چھن جانے کا۔ اور گرامیٹیکلی ترجمہ، کوئی بھی کتنا بڑا عربی دان اس لفظ کا ترجمہ آج تک یہ نہیں کر سکا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، اس نے ترجمہ کیا ہے تو یہی کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت پردے پہ تھے اور آج پس پردہ ہیں، آج بھی وہ جس کو جس اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے اس کو نظر آتے ہیں، آج بھی نظر آتے ہیں، اس وقت بھی نظر آتے تھے۔ اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرح الزرقانی میں ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ لوگو میری حیات بھی تمہارے لیے نعمت ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ حیات زہری اس لیے نعمت بنی کہ میں تم کو ہدایت کرتا رہا ہوں، اور وفات اس لیے نعمت بنی کہ میں تمہاری سفارش کرتا رہوں گا، میں تمہاری شفاعت کرتا رہوں گا۔ اور پھر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو یحیٰ علیہ السلام پر جب ان کی جس دن، سلامتی ہو جس دن ان کی ولادت ہوئی، اور سلامتی ہو جس دن ان کی وفات ہوئی، اور سلامتی ہو جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو نبی کی تو پوری زندگی ہی سلامتی والی ہے، نبی کی پوری زندگی پہ سلام پڑا جا رہا ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ان پہ سلام نہ پڑے۔ نبی کی زندگی کا اور سلامتی کا ایک خاص تعلق ہے، اور اسی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج بھی
और उस वक्त भी आज भी और आइंदा भी अल्लाह के फजल व करम से और हुजूर अलैहिस्सलाम के तसद्दुक से और तवस्सुल से ये मिलाद कुरान करीम की उसके कुरान पाक के उस फरमान के मुताबिक मनाते रहे, क्योंकि ये कुरान का हुक्म है जश्न मिलाना, मिलाद करना, और ये जो कुछ हो रहा है ये इस्लाम और कुरान के मुताबिक हो रहा है। और फिर ये बात की जाती है कि जो कुछ तुम आज ये कर रहे हो क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने किया? क्या ऐसा उन्होंने ये किया? तो इसका जवाब भी सुन ले कि वक्त जब तरक्की करता है, हालात बदलते हैं, वक्त तरक्की करता है, इर्तिका पाता है, क्लासिफिकेशन जाती हैं और तरक्कियां होती जाती हैं, हालात अपने अंदर इजादात पैदा करते हैं, तरक्कियां होती हैं, इर्तिका आते हैं, और इन तमाम सूरतों में फिर होता यह है कि एक चीज पर एक हुक्म होता है, पहले वो थी, बाद में वो चीज इजाद हुई और दोनों में इल्लत मुश्तरक पाई गई, तो इससे इस चीज पर भी वही हुक्म लगाया जाएगा जो पहले थी। तो इल्लत मुश्तरक होने की वजह से इस पर भी उसी तरह ही अमल किया जाएगा। इसकी हजार हा मिसालें हैं, मैं एक आध मिसाल देके आपको अपनी बात मुकम्मल करता हूं कि ये जो मस्जिदें बनाई जाती हैं, पक्की मस्जिदें बनाते हैं, तो उस वक्त तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या पक्की मस्जिद थी? अगर आज हम कौन सा ऐसा मसलक है जो पक्की मस्जिद नहीं बनाता? हर कोई अपनी शायाने शान, अपनी वसत और तौफीक के मुताबिक मस्जिद बनाता है, तो फिर नमाज पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि ये बिदत है। जो पक्की मस्जिद है हुजूर अलैहिस्सलाम के और हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद तकरीबन 100-150 साल बाद तक इस तरह का कोई कंसेप्ट और तसव्वुर ही नहीं था। नमाज पढ़ना छोड़ दें क्योंकि ये बिदत है, ये बात नहीं है। हुआ ये कि इंसानी जहन दो तरह के हैं, एक जहन तंग नजर है और एक को अल्लाह वुसअत अता फरमाता है, और जिसको अल्लाह वुसअत अता फरमाता है वो हुक्म के पीछे कार फरमा हिकमतों को, असरार को, रमूज को, उसकी बरकतों को, उसकी इफादियतों को, उन सब को वो देखता है, और इस नतीजे पर वो जिस दिल को अल्लाह ने वुसअत अता फरमाता है इस नतीजे पे पहुंचता है कि इसको अगर हम करेंगे तो इसके ये फवायद मुतरतब होंगे। और जमाना जूं जूं इस्लामी तरीक में जवाल आता गया मुसलमानों के अंदर, ईमान का जवाल, अमल का जवाल, दीनी इलम का जवाल, दीनी इदारों का जवाल, दीनी कदरों का जवाल, रूहानी फजाइल का जवाल, तो इन जहनों ने जो जहन अपने अंदर विसत रखते थे, इन जहनों ने सोचा कि ऐसे काम किए थे जो पहले नहीं थे, लेकिन वो काम, वो अमूर जिसको कुरान और हदीस ने मना नहीं फरमाया, अगर उनको कर लिया जाए तो वो जायज है। सहाबा किराम ने इज्तिमाआत नहीं किए, कोई इस तरह का जो प्रोग्राम, कोई मिलाद का प्रोग्राम नहीं करते थे। क्यों? इस वजह से कि उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का इतना असर था कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन अपनी जात में इज्तिमा थे, वो मुबल्लिग थे, वो हर शख्स उस वक्त मुत्तकी था, हर शख्स परहेज़गार था, हर शख्स शब जिंदादार था, कायमुल्लाह लैल था, वो अपनी जात में इज्तिमा था, अपनी जात में एहतमाम था, अपनी जात में अंजमन था, इसलिए उस वक्त इन इज्तिमाआत की जरूरत नहीं थी। और जमाना जूं जूं मादियत इंसान को अपनी लपेट में लेती रही, और उसने अपनी इतनी दहरियत और मादियत ने इंसान को अपनी लपेट में लिया, ईमान की कमजोरी हुई, तो उन सहबे बसीरत उलमा ने कहा कि इस तरह के इज्तिमाआत किए जाएं,
इस तरह के प्रोग्राम किए जाएं ताकि मादियत से लोगों को खींच कर इकट्ठा करके आने वाली नस्लों को यह बता दिया जाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनमें पैदा की जाए, आपकी इत्तबार पैदा की जाए, उनमें यह जज्बा डाल दिया जाए कि वो कट मरे हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी पे अपने आप को कुर्बान कर सके। और खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लेमू औलादकुम हुब्बा नबीयकुम, के लोगो अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाओ। तो उसका एक तरीका असहाबे बसीरत ने यह समझा कि इनको इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके हुजूर अलैहिस्सलाम की आपकी इत्तबा और मोहब्बत बताई जाए। तो इन तमाम सूरतों को मद्देनजर रखते हुए ये जो मिलाद, इसकी जितनी सूरतें हैं हद से नहीं पढ़नी चाहिए, कुरान और हदीस से तजावज नहीं करनी चाहिए, बल्कि जितनी सूरतें जिस जिस तरीके से और जिस जिस वजह से चीज पर आप मिलाद की खुशी मनाते हैं वो कुरान का हुक्म है और उसको मनाना चाहिए। अपने तो हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं लेकिन जब कोई गैर तारीफ करे तो उसका एक अपना मजा है, सुन के इंसान को खुशी और फरहत हासिल होती है। महिंदर से बैठी एक सिख है, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, उसने आपकी तारीफ में कहा है कि हम किसी दीन से हूं कायले किरदार तो हैं, हम सना खाने शहे हैदर करार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परिस्तार तो हैं, मजबूर हैं पे आमद मुख्तार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा नहीं। इकबाल ने इसी के जवाब में कहा होगा या शायद इसने पहले इकबाल ने कहा था कि तू ये कहता है ठीक है तेरी मोहब्बत है लेकिन मैं ये कहता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। और जश्न की एक सूरत में इकबाल ने कहा है कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद का उजाला कर दे। आखिर दावाना मिला हजरत आलामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद असगर कादरी साहब बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज के साथ अकल सलात व सलाम की बारगह आलिया में अपना हदिया के निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबी अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबी अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात ग्रामी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा और बड़ा फायदा जो है वो बंदा मोमिन को ये नसीब होता है कि उसका ईमान साबित रहता है, उसका ईमान कामिल होता है और ईमान के सबूत के साथ इस जहान से वो जाता है और ईमान की हिफाजत का सबब बनता है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा अपने ईमान की हिफाजत करता है क्योंकि ताल्लुक मुस्तफ़ा नसीब रहता है, अकल सलातम के साथ जिक्र सुन सुन के ताल्लुक पुख्ता होता है, जब ताल्लुक पुख्ता होता है तो यही वो ताल्लुक ही ईमान का असल नाम है, इसी ताल्लुक को ईमान कहा जाता है। इसलिए तो कहा गया कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। अलामा इब्ने कसीर ने एक वाक्य नकल किया, सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हो, इनको रूमियों ने कैद कर लिया, जरा देखना ताल्लुक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत बंदे के ईमान को कितना मजबूत बनाती है। ईरानियों ने कैद कर लिया, मुख्तसर अर्ज करता हूं, जब कैद कर लिया ईसाई बादशाह था, उसने इनको बुलाया, बुला के ईसाइत की दावत दी कि तू ईसाई बन जा, आपने फरमाया मैं ये कबूल नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, बल्कि आपने फरमाया लव आतैतनी जमीया मा तमलिको व जमीया मा तमलिको हुल अर्ब अला नारजियान दीनी मुहम्मदिन तरफत आइनिन, अगर तू मुझे
वो चीज दे जिसको तू मुझे इशारा कर रहा है, जिसके बारे में मुझे आगाह कर रहा है। वो क्या था? उसने कहा कि अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा, आदि बादशाहत दूंगा, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ दे। आपने फरमाया तो मुझे दीन इस्लाम से दूर करना चाहता है। अकल सलातम की अदाओं का जो एक चीज मजमुआ है उससे मुझे हटाना चाहता है। आपने फरमाया तू तो ये कहता है ना कि आदि बादशाह दूंगा, अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा, तू तो ये कहता है ना, लव आता ही तनी जमीया मातम लिखू, अगर तू मुझे वो दे जिसका तू मालिक है, जितनी जायदाद तेरे पास है अगर तू वो भी मुझे दे, और साथ वह जमीया मातम लिखो अरब, जहां जहां पे अरबों की हुकूमत है, जिस जिस चीज पे अरब मालिक है, अरबों की जायदाद है, वो भी साथ मुझे दे। इस बात पे अला नारजियान दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन मुबारक को तुरफता आईनिन आंख झपकने के बराबर टाइम जो होता है, इतनी देर में हुजूर के दीन से गाफिल हो जाऊं, बेखबर हो जाऊं। फरमाया सारी चीजें दे, तेरी चीजों को ठुकरा दूंगा, हुजूर के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लूंगा। ये चीजें मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखती। उसने आपको कैद कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया, तीर अंदाज को कहा कि इनके पांव पे हाथों पे तीर के साथ जख्म लगाओ। वो जख्म लगाता रहा। कुछ दिनों के बाद कहा गया कि वापस ले आओ। वापस लाया गया, फिर दावत दी कि ईसाइत कबूल कर लो। आपने फरमाया ये नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आपके सामने उसने आग जलवाई, आग जलवा के ऊपर देग रखवाई पीतल की। जब वो अच्छी खासी गर्म हो गई, आग पे आग की तरह हो गई ना, तो एक मुसलमान कैदी को बुलाया, उसके अंदर डाल दिया। जब अंदर डाला ना, उन्होंने उस देग के अंदर ही तड़प तड़प के अपनी जान अपने जानों को पेश कर दी। आपको उसके करीब लाया गया, जब करीब लाया गया उसकी आंखों से आंसू आ गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उज़ैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आ गए। वो समझा शायद ये डर गए हैं, ये डर गए हैं, अब ये कबूल कर लेंगे मेरे दीन को, ईसाइत को कबूल कर लेंगे। आपके पास आया और कहने लगा कि ईसाइत कबूल कर लो। जब बादशाह ने यह कहा तो आपने फरमाया ये कभी नहीं हो सकता। उसने कहा तो फिर आंखों से आंसू क्यों निकले? उसने आपने फरमाया कि तू आंसुओं की बोली जानता ही नहीं है कि आंसू क्यों निकले हैं। मेरे हुजूर ने इस बोली का जिक्र किया। आप फरमाते हैं लगी उस दिलदार दी तार सानू जड़ा हुसन दा शाह सदाम दा है, सोना मन मोना चेहरा यार संदा, जिंदे देखिया दुख सदाम दा है, मिसल फुल गुलाब रुखसार दिलबर, मत्था चल सोना मन भाव दाए, मस्त नैन दिलबर पीते बाज खीवे, डोरा नूर दा वेत सुहाम दाए, अबरू कोस कमान दा तीर पलका। फरमा तू है देख तू मैनू डरांदा पिया है, ऐ जान गवान तू मैनू डरांदा पिया है। फरमाया नहीं, मेरी जान का मालिक कोई और है जो इसको लेने आएगा, किसी और के नाम पे कुर्बान करना चाहता हूं, आंसू की बोली और है जिसको तो जानता नहीं है। आपने फरमाया अबरू कोस कमान तीर पलका, सुस्ता बन के यार चलाम दे, तक तक मारे दिलबर आशकानू, कोई वार खता ना जाम दे, जुल्फा कालिया ने अजब पेच पाए, जिमें जाल सयाद लगाम दे, आशक बाग परवाज कर आन फाते, हुन फातियां कौन छुड़ाम दे, दाना हुसन वाला पंछी चुकन आया, हथों अपना आप को हाम दे, जिन्हें शमा महबूब दी लाट उते वेखन आया भंबट जल जाम दे, जुर्रा इश्क दे मटकी चकिया जाए, मस्त नशा तौहीद दा पाम दे। फरमाया मैं तो तौहीद दा सबक पे पढ़ना वा, जो मेरे आंसू निकल रहे हैं ये भी रब के तौहीद का नगमा अलाप रहे हैं। तू समझ रहा है
कि मेरे अंदर से ये जो आंसू आंखों के रास्ते से बन के बाहर आए हैं तो ये कोई आपसे भीख मांग रहे हैं कि मुझे जिंदगी दे दे, मुझे देख में ना डालना, मेरे आंसू भीख नहीं मांग रहे। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया मेरे दिल में तो ये हसरत आई है कि काश, सुनना जुमला आपका, आपने फरमाया काश कि मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं इतनी जानें मेरे पास होती तो महबूब के नाम पे एक एक करके कुर्बान कर देता, पर क्या करूं क्या करूं, मेरे पास इतनी जानें नहीं है, एक जान है। इस वजह से मेरी आंखों के बादल बरस पड़े, ये हसरत मेरी पूरी ना हो सकी, मेरे पास सिर्फ एक जान है जो आज महबूब को पेश करने जा रहा हूं। उसने आपको कैद करने का हुक्म दे दिया कि ऐसे नहीं करना, कैदी करो। कैदी बनाया गया, काफी दिन भूखा रखा गया, भूखा रखने के बाद शराब और खंजीर का गोश्त भेजा, जब आपके सामने लाया गया आपने ठुकरा दिया। उसने कहा तुम्हारा दीन तो हालत इज़्तिरार में इसको जायज करार करता है कि जब बंदा मरना मर रहा हो, हालत इज़्तिरारी में हो, मजबूर इतना हो कि जब जान जाने का खतरा हो तो वो ऐसा काम कर सकता है, तो अब आपकी जान जाने को है तो आप ऐसा कर लें। आपने फरमाया कि हमारे दीन ने हमें रुख्सत दी है, तुम क्या लगते हो इसके, ये हमारे दीन का मामला है और ये दीन मेरे मुस्तफा की अदाओं का नाम है। फरमाया अब मैं इस वजह से नहीं खाऊंगा कि तुझे उंगली उठाने का मौका ना मिले कि ये जान के निकलने की वजह से डर के उसको खा गया है, मैं उंगली नहीं उठाने दूंगा, मैं नहीं खाऊंगा इसको। उसने कहा चलो एक और शर्त है वो मान ले। आपने फरमाया बताओ। उसने कहा कि मेरे सर को बोसा दो। आपने फरमाया फिर? कहने लगा आजाद कर दूंगा। आपने फरमाया अपनी आजादी के लिए तेरे सर को नहीं चूमूंगा, जो दूसरे मुसलमान कैदी हैं उनको आजाद कर दे, मैं तेरे सर को बोसा दे दूंगा। उसने शर्त मान ली। जब आपने उसके सर को चूमा, मुसलमानों को आजाद करवाया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अनु के हुजूर हाजिर हो गए, अपना सारा वाक्य अर्ज किया। जब ये बात बताई ना कि उसने मुझे ये कहा, ये आशिकों की बात है, ये मिलाद मुबारक जो है, मिलाद शरीफ जो है, ये बंदे के ईमान के कामिल होने का जरिया बनता है, क्योंकि हुजूर की बारगाह से ताल्लुक कायम होता है कि हमें ईमान के खैरात, ईमान के भीख खुशबू से मिली है, उस दरवाजे से मिली है। जब आपको अर्ज किया गया कि हुजूर ऐसे ऐसे हमारे साथ मामला हुआ, जब आखिरी बात बताई ना कि उसने कहा मेरे सर को बोसा दो तुझे आजाद कर दूंगा, तो फिर आपने फरमाया फिर? अर्ज करने लगे, मैंने कहा कि नहीं, दूसरे मुसलमानों को भी आजाद कर फिर तेरे सर को चूमूंगा। वो इस बात पे मान गया, मैंने फिर उसके सर को बोसा दिया, आप पे रश्क तारी हो गया। हजरत उमर फारूक खड़े हुए, फरमाया हक्कुन अला कुल्ली मुस्लिमिन अन युकब्बिला रास अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ैफा, हर एक मुसलमान पर जरूरी है वो आए हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा के सर को बोसे दे। फरमाया आना अब्दो, हाँ इस भूल में कोई ना रहे कि हुक्म दे रहा हूं खुद नहीं करूंगा। फरमाया पहले मैं इनके सर को चूमता हूं, ये रब के नाम पे कुर्बान होके, एक दफा नहीं कई दफा कुर्बान होके इस बारगाह में पहुंचा है। तो हजरात गिरामी, ये मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, जितना को बंदा नजदीक होता है उतना ईमान में कामिल होता है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती नसीब फरमाए, अकल सलातम की पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज में गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम हजरत अलामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अमजद साहब को तशरीफ लाए और अपना इजहार माफ़ ज़मीर फरमाए। मोहब्बत भरा ईमानी नारा लगाना, नारा तकबीर, नारा रिसाल, नारा तहकीक, गुलाम है गुलाम है, गुलामी रसूल में जो हो ना इश्क़े मुस्तफा, नारा रिसाल। الحمد لحقيقه والصلاة والسلام على صديقه وعلى آله وأصحابه وسالك طريقه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساتي وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساتي أرانا الهدى بعد الأما فقلوبنا موقنات أنما قال واقع
यबीतु युजाफी जंबहु अनफिराशिहि, यबीतु युजाफी जंबहु अनफिराशिहि, इजस्तस कलत बिल मुशरिकीन अल मदाजियु। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदिल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में ये अशार बयान फरमाए। बुखारी शरीफ में ये अशार मौजूद हैं। आप फरमाते हैं, वफीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहु, हम में अल्लाह के ऐसे रसूल हैं जो कुरान पाक की तिलावत हमारे सामने बयान करके सुनाते हैं। इज़न शक्का मारूफुम मिनल फजर सातियू, जब फजर फूटती है उस वक्त आप कुरान पाक की तिलावत बयान करके हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। अरान अल हुदा बादल अमाफा कुलूबुना, आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें, हम अंधे थे, हमें नाबीनी के आलम के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदायत के साथ हमें आंखें अता फरमाई। और अरान अल हुदा बादल अमा फकलूबुना मुकिनात अन्नमा काल वाक्यू, तो अब हमारे दिल हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए हर बात का यकीन करने लग गए हैं। यबीतु युजाफी जंबहु अनफिराशिही, जब प्यारे करीम नबी अलैहिस्सलाम रात गुजारते हैं, हुजूर अपने बिस्तर से अलग होकर रात गुजारते हैं, इज़स्तस्कलत बिल मुशरिकीन अल मदाजू, जब मुशरिकीन अपनी नींद के आलम में, मौज मस्ती के आलम में रात गुजारते हैं, तो हुजूर बिस्तर पर रात नहीं गुजारते बल्कि बिस्तर से अलग होकर सारी रात अल्लाह के हुजूर क़याम में गुजार देते हैं। मुहरे चरखे नबुव्वत पे रोशन दुरूद, 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 हक ताला की मन्नत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, जिसके जेरे लिवा आदमो मन सिवा, उस सजाए सियादत पे लाखों सलाम, जिसके आगे सरे सरवरा हम रहे उस सरे ताज रिफत पे लाखों सलाम, जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गईं उस खुदादार शौकत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तजीबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह मुकद्दस में और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक्दस में हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब का इस पाक दर की हाजिरी में, इस पाक दर की हाजिरी, हमारी सब की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमाए। सामने जीत शाम आज आपके सामने मैं एक मौजू जिसका उन्वान ये है शान मुस्तफ़ा दरमियान अम्बिया, इसके तहत आपके सामने चंद मिनट गुफ्तगू करूँगा। दुआ कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं, इनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत दी है, रसूलों में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, लेकिन प्यारे करीम नबी अलैहिस्सलाम को तमाम रसूलों का सैयद बनाकर भेजा है, तमाम रसूलों का सिरदार बनाकर भेजा है। आइए सुनिए हुजूर अलैहिस्सलाम की शान अंबिया के दरमियान। जिस तरह हैवान साई बसियार के बावजूद इंसान नहीं हो सकता, और इंसान रियाजत व इबादत के अनगिनत मराहिल व महासिन व महामिद की बेशुमार वादियां अबूर करने के बाद मकाम नबुव्वत नहीं पा सकता, इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के कमालात को जमा कर लें, फिर भी मकाम मुस्तफ़ी तक रसाई नहीं हो सकती, बल्कि हक ये है यहाँ पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के फजाइल और मनाकिब की इंतहा होती है, वहां से मकाम मुस्तफ़ा की इब्तिदा होती है। सामने जीत शाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
جناب عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں نبی آئے تبلیغ کرتے رہے، اور ان کی تبلیغ کے باوجود اگر لوگ راہ راست پر نہ آتے تو ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک کسی پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم ان میں اپنا رسول مبعوث نہ فرما دیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ انبیاء صادقین کے بعد اگر لوگ ایمان نہ لائے تو عذاب رک نہیں سکتا، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری آئی، اللہ فرماتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے لوگوں پر عذاب نازل کر دے۔ پتہ یہ چلا انبیاء صادقین کی بعثت کے بعد عذاب ٹل نہیں سکتا، اور حضور کی آمد کے بعد عذاب آ نہیں سکتا۔ سامع مزید شام دیکھیے، حضور کی شان سنیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں نبی آئے تبلیغ کرتے رہے، لیکن تبلیغ کے باوجود لوگ راہ راست پر نہ آئے، دنیا سے کفر کی سیاہی گل نہ سکی، شرک کی صدایں گونجتی رہی، عناصر و کواکب کی پوجا ہوتی رہی، لیکن ایک سرکار کی بھی عزت کیا ہوئی، زمانے میں انقلاب آ گیا، انسانوں نے کلمہ پڑھا، جنات مسلمان ہو گئے، حیوانات نے آپ کی نبوت کی گواہی دی، شجر و حجر نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ جو شیطان حمزہ پیدا ہوا تھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ الغرض سلم کدا جہاں میں ہر طرف تکبیر و تحلیل کی آوازیں گونجنے لگیں، اس لیے شاعر کہتا ہے، لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر۔ ثانی زید شام، آئیے سنیے حضور علیہ السلام کی شان، اللہ تعالیٰ کو اوروں سے شکوا ہے کہ وہ قیام کم کرتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام سے فرماتا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب آپ تو زیادہ قیام کرتے ہیں، تھوڑا کم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو اوروں سے شکایت ہے کہ وہ راہ خدا میں مال کم خرچ کرتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام سے فرمایا، لا تبسطھا کل البر، محبوب راہ خدا میں اتنا زیادہ نہ خرچ کیا کریں، تھوڑا کم خرچ کیا کریں۔ دیکھیے حضور کی شان، اللہ فرماتا ہے، فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، محبوب آپ صبح و شام اللہ کی عبادت کریں تاکہ آپ رب سے راضی ہو جائیں۔ ساری مخلوق کی عبادت یہ ہے کہ خدا کہ وہ خدا کو راضی کریں، لیکن محبوب مصطفیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ ہے کہ خدا ان سے راضی ہو جائے۔ حدیث سے پاک میں موجود ہے کہ جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، مل احسان، یا رسول اللہ احسان کس مرتبہ کا نام ہے؟ پیارے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک ترا، رب کو دیکھتے ہوئے اس کی عبادت کرنا، یہ احسان ہے۔ پتہ چلا تمام کاملین و مقربین کی عبادت یہ ہے کہ وہ دوران نماز جمال الوہیت کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام کی عبادت کا حال اللہ پاک یوں بیان فرماتا ہے، الذی یراک حین تقوم وتکلمک فی الساجدین، محبوب آپ دوران نماز میں حالت قیام میں ہوں یا حالت سجود میں ہوں، تمہارا رب تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ پتا چلا تمام کاملین تمام عابدوں کی نظریں نماز میں خدا کے جمال کی طرف ہوتی ہے، لیکن خدا کی نظر مصطفیٰ کے جمال کی طرف ہوتی ہے۔ ارے ہمیں معلوم ہے، ہم سے سنو محشر میں کیا ہوگا، سب اس کو دیکھتے ہوں گے، وہ ان کو دیکھتا ہوگا۔ سامعین عزیز شام، آئیے شان مصطفیٰ درمیان انبیاء کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر آخرت سے دعا کرتے ہیں، لا تخزینا یوم یبعثون، یا اللہ معاشر کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ جو دعا جو مقام ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے مانگ رہے ہیں، محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے وہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، محبوب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھ والوں کو رسوا نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں کرے گا، بلکہ شرمندہ کرنا تو تجا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، سر محشر آپ سرخرو ہوں گے، لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں اور اس کی نوازشوں کی موسلہ دار بارش ہوتی رہے گی، وہ آپ کو بستا و نوازتا رہے گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ سامع زید شام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی آرینی انظر الیک،
یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا؟ الم تر الی ربک، اے میرے محبوب، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کا اندازہ کیا لگا سکتا ہے کوئی؟ جس کا کلام اگر کسی پہاڑ پر اترے تو وہ پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے، جس کی صفت کی تجلی موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی پر ہو تو ہوش جاتے رہے، پہاڑوں میں یہ طاقت نہیں کہ اس کے کلام کا بال اٹھا سکے۔ ارے ان کی اس محبوب علیہ السلام کا شان کے عظمت اور آقا علیہ السلام کے حوصلے کا کیا کہنا، جن کے سینے پر قرآن کی ایک نہیں، دو نہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں اتری، ان کی عظمتوں کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے؟ محبوب علیہ السلام جنہوں نے اپنے رب کو اس شان سے دیکھا کہ دکھانے والے نے بھی داد دے کر کہا، ما زاغ البصر وما طغا، ما زاغ البصر وما طغا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سامن زید شام، عارفوں کے دو گروہ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کی نظر پہلے سانے پر پڑتی ہے پھر مصنوع تک پہنچتے ہیں، اور ایک وہ گروہ ہوتا ہے جن کی نظر پہلے مصنوع پر پڑتی ہے پھر اس کے بعد سانے تک پہنچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، کہ ہم اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے زمین و آسمان کی سیر کرائی، اور اس کے بعد زمین و آسمان کی سیر کے بعد انہوں نے رب ذوالجلال کا جلال دیکھا، آقا اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جمال دیکھا۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، رأیت ربی فی احسن صورت قال فیما یختصم الملأ الاعلی قال کنت انت اعلم قال فوضع کفه بین کتفی فوجدت بعدها بین صدی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے محبوب، ملأ الاعلی کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اس سے مجھے زمین و آسمان کا سارا علم عطا کر دیا گیا۔ اب دیکھیں، پہلے مصنوع کو دیکھنا پھر اس کے بعد سانے تک پہنچنا، یہ ہے مقام ابراہیم، لیکن تمام چیزوں سے پہلے سانے کو دیکھنا، اس کے بعد مصنوع کی طرف، مصنوعات کی طرف توجہ کرنا، یہ مقام محمدی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، پہلے اپنا ذکر کیا بعد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا بعد میں اپنا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان ملکہ سبا بلقیس کی طرف جب خط لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اپنا ذکر کیا بعد میں خدا کا ذکر کیا۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے جب بادشاہ روم ہرقل کی طرف خط لکھا تو آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الی عظیم الروم ہرقل صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے حضور علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا بعد میں اپنا ذکر کیا۔ ان شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام چیزوں سے سب سے پہلے تمام مخلوقات کو دیکھنا، اس کے بعد خالق کا دیدار کرنا، یہ ہے مقام ابراہیم، مقام موسیٰ، مقام سلیمان، لیکن تمام چیزوں سے پہلے خدا کا جمال دیکھنا، اس کے بعد کسی اور کی طرف التفات کرنا، یہ مقام محمدی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، انبیاء میں ان کا مقام سب سے اونچا ہے، ان کی عظمت کا کوئی اندازہ کیسے کرے جن کی نسبتوں کی خدا قسم کھائے۔ ارے جن کا جاگنا عبادت، جن کی نیند خدا کی زیارت ہو، جن کا منشا خدا کی مرضی کہلائے، جو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جب کسی کو اس سے یارائے سخن نہ ہو، ارے جن کے ماتھے پہ بل ہو تو خدا ناراض ہو جائے۔ حیرا ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیرا ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آتا کہوں تجھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امالی نے اسے کہی کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھرے، یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔
दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कोई कहता आल ते औलाद बड़ी चीज है, कोई कहता महफिल च दाद बड़ी चीज है, साइंसदान कहते ने इजाद बड़ी चीज है, न सर असि सारे नचोड़ कढ़ छड़े ने, साडे लजपाल का मिलाद बड़ी चीज है, न सर असि सारे नचोड़ कढ़ छड़े ने, साडे लजपाल का मिलाद बड़ी चीज है। तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम सना खान मुस्तफा भाई अली जा कादर साहब, मोहब्बत भरे नारे की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। नारा तकबीर, नारा रिसाल, नारा तहकीक, नारा हैदरी। तमाम अहबाब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरों ते पार नजराना पेश करो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैक या हबीबल्लाह। बाबा जी अपना पढ़िए सल्लल्लाहु अलैक या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हयात के क्या यादगार गुजरे हैं, वो दिन हयात के क्या या दिन हयात के वो दिन हयात के क्या यादगार गुजरे हैं, जो तेरे शहर में ऐश वतन जो तेरे शहर में ऐ शहर यार गुजरे हैं, वो दिन हयात के बसी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं,
उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, किस राह चल दिए हैं, पूछे बसा दिए हैं, बसी जाने बाहर गुजरे हैं, जहां जहां वो जाने बाहर गुजरे हैं, मंजिले यार में आसां हुई उनकी तलाश, मंजिले यार में आसां हुई उनकी तलाश, जर्रा जर्रा मुझे कहता है कि इधर से गुजरे हैं, जहां जहां से वो जाने बाहर गुजरे दिन हयात के जो लोग आपके नक्शे कदम पे चलते रहे, बहुत अजीम बहुत बावकार गुजरे हैं, बहुत अजीम बहुत बावकार गुजरे दिन हयात के मख्तार से तुम्हारा लुत्फ है आका फकीर हसनी के, सरजमीन दिल बेदर वो कोहे दूर हो या सरजमीन दिल बेदर, लिखाए यार से खाली कोई दयार नहीं, तुम्हारी याद में ले लो दिन हया आ गए। कुतुब अली
بچ کتب زمانے کتب علی بچ کتب زمانے تے مینو ہر جان نظری آوے جت ول یار دسیوے تے غیر نہ ہر گز بھاوے صورت یار دی خواب وچالے مینو ہر شب یاد جگاوے شیر محمد مرشد باجو راحت دا نظر نیا وے میرے حضور فرما دینے ہادی مینو سبق پڑھایا ہادی مینو سبق پڑھایا تے بن پڑھیو پیار پڑھیتا تسبیح چھوڑ حساب والے تے بن گنیو پیار گنیتا لکھیو پیار لکھیدا شیر محمد مرشد باجو نہیں دل دا کفل لہیندا وچے کعبہ تے وچے مسجد تے مسجد تے وچے کری سجو رکھ مگر امام قیام ہمیشہ تے وچے ہی موجود سب مخفی راز اظہار ہم جدیا پہوے ناب شیر محمد باج مربی تے ملدہ نہیں معبود میرے حضور فرما دینے عید مبارک کیوں نہ مبارک کیوں نہ تے جن عید وچ پوے جدائی عید اولاد نہ دید سجن دے بن دید عید نہ کائی صدیق سعید شہید کتا چاہ گجڑی کرد چلائی شیر محمد ایتا تھی سر جد مل سن وچھڑے مائی میں بادی تے بردی تین دل بردی او یار بادی تے بردی تین دل بردی او یار جانے ماں ہی میرا جانے ماں
नया हा कोई बाग गजब दी इश्क नया हा कोई बाग गजब दी एवें भुल के विच वज पईया सड़ बज गईया अते हो गईया धईया धईया चुप कर गईया माँ प्यो वीर भागे अते ताने देवन सईया सेंदी रईया खजा वाला पलड़ा गल विच मैं ते दरते पईया जईया कईया मैं बा दित बर दे तें दिल बर दियो यार जाने जरते मैं आई बारा यार जरते मैं आई बारा यार ते बिन सुनजी लमिया लाल खजूरा ते पत्तर जिना दे सावे जिस तमना दे परीत यसादे सको दम नजर नया गलियां सुंजियो जाड बसीवन गलियां सुंजियो जाड डसीवर सच बेड़ा वट वट खावे खजा वाला खरीदा ओ था की बसना ओ जिथे यार नजर ना आवे इश्क कहां जाती है सीनों में छुपाई जाती है तैबा से मंगाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। हजरात गिरामी ये मोहब्बत का जाम
ऐसा जाम है, ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, मुसलमानों तक महदूद नहीं। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ात करीमा ने बस जिसे चाहा उसे दीवाना बना डाला। जिसको भी आपने अपनी मोहब्बत की खैरात अता की, उसमें कोई इंसान, हैवान, नबातात, जमादात, जिस पर भी आपने मेहरबानी फरमाई, अगर इंसान था उस पर मेहरबानी की, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुहिब बना दिया, और अगर मुसलमान था उस पर नजरे रहमत डाली तो उसको अपनी मोहब्बत अता की, और इसके बाद अगर हैवान था उसको भी अपनी मोहब्बत का करवीदा बना लिया, और अगर आपके सामने शजर आया उस पर मोहब्बत की नजर डाली उसको भी अपना दीवाना बनाया, और अगर पत्थर आया तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओहदन, ये ओहद ऐसा पहाड़ है, युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार करते हैं। पहाड़ों से, पत्थरों से हुजूर प्यार करते हैं। हालांकि लोग मिसाल देते हैं फलां पत्थर दे ले, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जिसको वो अता करते हैं। सच कहा किसी ने, जब उन्हें पीवन तो तौबा की, मैं खाना साके सजा के रख दे, खबरे मैनल कावे डैसू, हुण ते हर नल बना के रख दे, कई रज के पींदन के सिकदे नासी, ये अपने अपने नसीब होंदे ने। वो चाचा होके वेला, ओत पहाड़ पत्थर होके रजिया पिया, खबरे मैनल कावे डैसू, हुण ते हर नल बना के रख दे, कई रज के पींदन कई सिकदे नासी, ये अपने अपने नसीब होंदे ने। किना दे हत्था च खाली जामिन, किना ले साकी लुका के रख दे, किना दे हत्था च खाली जामिन, किना ले साकी लुका के रख दे। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मोहतरम हजरत अलामा मौलाना तसव्वुर हुसैन साहब को तशरीफ लाएं, आका अलैहिस्सलाम के हुजूर हदिया की पेश करें। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक। हजरात गिरामी, मोहब्बत की घड़ियों के हम करीब होते जा रहे हैं, इसलिए अपने सर की आंखों को भी खुला रखें, दिल के दामन को भी वार रखें। महबूब की जलवा आराई जिस घड़ी में हुई थी, उस घड़ी के हम करीब होते चले जा रहे हैं। इस इंतजार में बैठिए कि महबूब अलैहिस्सलाम की जलवा गरी, जिस जलवा गरी के साथ इस कायनात को नूर मुयसर हुआ, वो घड़ी आने वाली है। हम अपने दामन फैला के बैठे, क्योंकि तेरा आना था कि असनामे हरम टूट गए, तेरे जोर से शाह जोरों के दम टूट गए, और तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम हजरत अलामा मौलाना तसव्वुर हुसैन कादरी साहब। الحمد لله الذي الذي خلق نور المصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الكرماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وأنت ولما أشرقت الأرض وضاعت بنورك الأفق
نحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد ونحترك لو لم تكن آيات مبينة لكان منظره ينبك بالخبر صدق الله مولانا العظيم پہلے دو اشعار کا دو شعروں کا وہ ذکر کیے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت آپ کی شان کے بارے میں کہ حضور آپ پیدا ہوئے تو ساری کی ساری زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور کی وجہ سے تمام کی تمام دنیا اور کائنات اور آسمان اور افق وہ سب کے سب روشن ہو گئے اور فرماتے ہیں آگے نحن فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نحترک فرماتے ہیں کہ میں ہم جو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے نور وہ ظاہر ہوا اور دنیا روشن ہوئی اس نور میں ہم بھی ہیں اور اس ہدایت اور اس رستے میں ہم بھی اس ہدایت اور رشد و ہدایت میں داخل ہیں اور اگلے جو ایک شعر میں نے پڑھا ہے وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لو لم تکن آیات مبینات اگر یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور معجزات سارے بیان کیے گئے اور واضح ہوئے ظاہر ہوئے حضور کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں قرآن پاک کا آنا یہ بھی ایک معجزہ ہے اور چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بھی معجزہ حضور کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوتی حضرت عبداللہ بن رواحہ بیان کرتے ہیں لو لم تکن آیات مبینات اگر یہ ساری کی ساری روشن دلیلیں اور معجزات نہ بھی ہوتے لکان منظره تو حضور کا جو چہرہ اقدس ہے وہ اس بات کی خبر دیتا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے نہ روح مبی نہ عرش بری نہ لوح مبی نہ روح امی نہ عرش بری نہ کوئی بھی کہیں جو رمزے کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شاف یوم النشور دستگیر جہاں غم حسار زمان حامی بے کساں سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم مجھ سے پہلے میرے اساتذہ کرام وہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم دائم رہے اور ان کی عمر اور علم میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے ان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور میرے ساتھی بھی وہ بھی بیان کر چکے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں ترقی عطا فرمائے علم نافع عطا فرمائے میری دعا ہے کہ میرے مرشد کا سایہ اور ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ بھی برکت عطا فرمائے عزیزان محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اندر ہی انہی میں سے ایک رسول بنا کے بھیج کر اور ان لوگوں پر احسان فرما دیا رسول کا ہم میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور حضور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں فبأی آلاء ربکما تکذبان تم مالک کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور فرمایا اتنی نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے اتنی ہزاروں کروڑ نعمتیں جو شمار نہیں کی جا سکتی ساری ہمیں عطا کر کے کسی پر احسان نہیں کیا صرف ایک نعمت دی ہے کہ اپنا محبوب ہمیں عطا کیا اس پر اللہ احسان کر رہا ہے عزیزان محترم
कोई भी आदमी दुनिया में ही कोई बंदा अपना महबूब देना तो कुजा, वो तो दिखाना ही नहीं चाहता किसी को। और एक शायर यूं कहता है, मेरे नैना में तुम बसो, तुम्हें नैना ही थाम लूं, ना देखूं किसी और को ना तुम्हें देखने दूं। वो कहता है कि मेरा महबूब वो मेरी आंखों की ये पुतलियां बन जाए और मैं अपनी पलकें आगे बंद कर लूं, बस वो मुझे देखता रहे, मैं उसको देखता रहूं। तो एक दूसरा आदमी वो चाहता है कि मेरा महबूब किसी और के सामने भी मैं ना करना चाहता हूं, ना देना तो कुजा है, वो देखने ही नहीं देता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना प्यारा और सबसे आला और अरफा महबूब जो है वो हमारी गुनाहगार उम्मत को अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिया। अजीजा ने मोहतरम, उसी महबूब का, हुजूर अलैहि सलातो सलाम का ये आज जिक्र खैर हो रहा है। हुजूर अलैहि सलातो सलाम का नाम अकदस अहमद है और दूसरा नाम हुजूर अलैहि सलातो सलाम का मोहम्मद है। अहमद का मतलब यह है कि जिसकी बार बार, जिसने बहुत ज्यादा तारीफ की हो, इतनी ज्यादा कि उससे ज्यादा कोई और तारीफ ना कर सके, अहमद उसको कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अहमद कहा, मुबशिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो फरमाते हैं कि मेरे बाद एक ऐसा नबी आने वाला है जिसका नाम अकदस अहमद होगा। तो अहमद हजूर अलैहिस्सलाम को कहा गया, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को या किसी और नबी को अहमद क्यों नहीं कहा? हमद तो वो भी अल्लाह की करते रहे, हजूर अलैहिस्सलाम क्यों, इनको अहमद क्यों कहा? हालांकि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की उम्र पाक वो 1000 साल है और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की उम्र पाक जो जमाना है तबलीग तूफान नूह से पहले का वो 950 साल है और तूफान नूह के बाद एक रवायत में 200 साल है और एक रवायत में 300 साल है और सारा जमाना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद सना करते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम का जमाना नबूवत 23 साल बनता है, हुजूर अलैहिस्सलाम भी उसी जमाना में अल्लाह की हमद सना करते रहे, लेकिन अल्लाह हुजूर को अहमद कहता है, ना आदम को अहमद कहता है, ना नूह को अहमद कहता है, ना इब्राहिम को अहमद कहता है, ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अहमद कहता है, हुजूर को अहमद क्यों कहता है? ये हदीस पाक से मैं वाज़ह करना चाहता हूँ। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अपने बाप सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल करते हैं और ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक है और सैयदना इमाम हुसैन वो अली मुर्तज़ा से अर्ज करते हैं और सैयदना अली मुर्तज़ा वो हुजूर अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कानत रूहु नूरन बैन यदै रब्बिही क़ब्ल अन युख़लक़ आदम के। हुजूर अलैहिस्सलाम की तखलीक आदम अलैहिस्सलाम से 14,000 साल पहले थी और हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त नूर थे और अपने रब के सामने उसकी हमद और सना बयान किया करते थे। तो पता चला आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से पहले से लेकर आज तक हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की हमद और सना बयान कर रहे हैं, इसीलिए हुजूर अहमद कहलाते हैं। तो सबसे ज्यादा उम्र पाक हजूर अलैहिस्सलाम की है। इसी हदीस को नशरुद्दीन में अलामा अशरफ अली थानवी साहेब वो नकल करते हैं, नकल करके वो यहां ये कहते हैं कि जो 14,000 साल कहा है इससे ज्यादा की भी तो हदीसें आती हैं कि हजूर इससे भी कई अरसा पहले मौजूद हैं, तो इससे ये नहीं आप साबित कर सकते कि बस 14,000 साल का अरसा पहले हजूर मौजूद थे। वो कहते हैं कि ये 14,000 साल से कम की नफी है, ज्यादा की नफी नहीं है। जिस तरह के सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जिब्रील तेरी उम्र कितनी है, तो उन्होंने आगे सर्ज की मुझे इतना तो पता नहीं है, चौथे हिजाब में एक सितारा तुलू होता है तो मैं उसको 70,000 साल बाद जाके मैंने देखा, जब मैं पैदा हुआ उस वक्त देखा, फिर 70,000 साल ही गुजर गए फिर जाके मैंने देखा, तो उस सितारे को आज तक 72,000 मरतबा मैं देख चुका, तो मुझे नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला की कसम है अनहाजा अल-कौकर कि वो सितारा मैं नबी था जिसको तू चौथे आसमान पे देखता था जो 70,000 बार तुलू होता था। तो उस सितारे को वो उम्र पाक, अब इसमें तो कई हजार साल पहले हैं, तो ये जो अंदाजा लगाया जाएगा दिनों का वो ये दिन हमारे नहीं होंगे, ये साल हमारे नहीं है। क्यामत का एक दिन कितने अरसा का है? 50,000 साल का है।
तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जमात ये पदाइश वो उस हिसाब से देखिए आलम अमल के लिहाज से देखें तो एक दिन अगर 50,000 साल का हो तो 14,000 साल पहले का जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया वो कितने करोड़ों अरबों इस जहान के साल बनेंगे तो कोई अंदाजा ही नहीं है। अज़ीज़ाने मोहतरम तो हुजूर अलैहिस्सलाम इतने हजारों साल पहले अल्लाह ताला की हमदो सना कर रहे इसलिए फिर हुजूर अलैहिस्सलाम अहमद कहलाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब इतनी तारीफें करते हैं और इतनी हमदो सना बयान करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को नबूवत फिर अता की गई तो किस वजह से अता की गई? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قالوا متى وجبت لك النبوة يا رسول الله قال آدم بين التين والماء। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपको नबूवत कब से मिली है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस वक्त से नबी हूँ जब आदम अलैहिस्सलाम अभी तक मिट्टी और पानी के दरमियान थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को उस वक्त नबूवत क्यों अता की गई हालांकि उस वक्त तो कोई ऐसी उम्मत नहीं थी लोग नहीं थे। नबूवत उस वक्त अता की जाती है जब सुनने वाले मौजूद हों जहां अल्लाह का पैगाम पहुंचा जाता हो। उस वक्त तो कोई चीज मौजूद नहीं थी तो नबूवत किसको दी गई थी? हदीसे पाक में आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उस वक्त तमाम अंबिया को पैदा करके फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम वहां खड़े हैं अल्लाह फरमा रहा है उन तमाम अंबिया की अरवाह को कह रहा है इन आमनतुम बिही जादुकुमुल अंबिया अगर तुम हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आओगे तो मैं तुमको नबूवत के ताज पहना। और हुजूर फरमाते हैं कि उस आलम हवा में जो तमाम अंबिया की रूहें पैदा की गई मैं उनका मुर्शिद था मैं उनका मुरब्बी था और मैं उनको हिदायत किया करता था और उनके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमदो और हमदो सलाह बयान किया करता था। इस लिहाज से हुजूर अलैहिस्सलाम वो अहमद कहलाए और आज तक जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इस दुनिया फानी में तशरीफ लाए जिन्होंने जो भी यहां आके अल्लाह की हमद बयान की है जो भी अल्लाह की यहां सना बयान की है वो सारी की सारी हमदे और सनाएं हुजूर अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई थी और वो सारी तारीफें हुजूर अलैहिस्सलाम की हमदे कहलाती हैं और वही सारी की सारी हमदे हुजूर अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। तो इससे पता चला कि सबसे ज्यादा हमद करने वाले वो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है इसी वजह से आपको अहमद कहला। और एक हदीस पाक में आता है हजरत इब्ने अब्बास अन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रवायत है फरमाते हैं अन्ना कुरैशन कानत नूरन बैन यदी रब्बिही क़ब्ला खल्क़ आदम बिअल्फ़ै आमिन يسبح ذلك النور تسبيح الملائكة تسبيحه। और बयान ये फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर अकदस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले पैदा किया और वो नूर वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान किया करता था और उस तस्बीह को फरिश्ते सुनकर याद किया करते थे। तो आज तक जितने फरिश्ते इस दुनिया फानी में अल्लाह की हमद बयान करते हैं या अल्लाह की सना कर रहे हैं वो सारे के सारे फरिश्ते हुजूर अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई तस्बीह बयान करते हैं। इस लिहाज से हुजूर अलैहिस्सलाम अहमद कहलाए। हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम अकदस मोहम्मद है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूंगा लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं मजीद तुम्हें और मजीद अता करता जाऊंगा। तो यहां हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब तमाम जहानों से ज्यादा हमद और सना अल्लाह की हो तो फिर अल्लाह का यह दस्तूर है कि मुझे याद करो मैं तुझे याद करता हूं आम लोगों में मुझे याद करो तो मैं फरिश्तों में बैठकर तुम्हें याद करता हूं। तुम मेरी तरफ एक बलिश चल के आओ मैं एक हाथ आता हूं तुम मेरी तरफ चल के आओ मैं दौड़ के आता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये दस्तूर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब इतनी हमद की है और इतनी सना की है अल्लाह फरमा रहा है इन अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। ए हबीब अब तक तुम अहमद कहलाए अब मैं अल्लाह और फरिश्ते तुम पर दुरूद और रहमतें भेजते हैं और तेरी हमद और सना बयान करके तुम्हें मोहम्मद का लक़ब देते हैं। और फरमाया क्या ईमान वालों तुम भी हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ करो। यहां ईमान से कौन मुराद है ईमान वाले कौन है? ईमान वाले तमाम की तमाम कायनात ईमान वाली है। सिर्फ काफिर और मुशरिक हो सकता है तो वो सिर्फ इंसानों और जिन्नों में हो सकते हैं।
باقی کسی مخلوق میں کوئی کافر نہیں ہو سکتا، نہ کوئی منافق ہو سکتا ہے، نہ کوئی مشرک ہو سکتا ہے. نباتات دیکھیں، جمادات دیکھیں، جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری مومن ہیں، اور سبھی کو حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد بیان کیا کرو اور ان پر درود و سلام پڑھا کرو. تو جتنی چیزیں اللہ رب العزت کو جانتی ہیں، یسبحو ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی زمین و آسمان میں چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسبیح بیان کرتی ہیں. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما من شئین الا قد جعلن انی رسول اللہ، جتنی بھی چیزیں یہاں موجود ہیں، جو بھی شے ہے وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، فمستقبلہ حجر ولا جبل ولا شجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف سے جب باہر جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جتنے پہاڑ ہیں اور جتنے درخت ہیں اور جتنے پتھر آتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے تھے السلام علیک یا رسول اللہ. اسی بات کو حضور نے فرمایا، ما من شیء الا قد یعلم انی رسول اللہ، فرمایا کہ ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. شے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ شے میں جو چیز موجود ہے وہ شے ہے. یہ زمین کی لمبائی یہ تقریباً 40,800 کلومیٹر ہے جدید تحقیق کے مطابق، اور یہاں سے جو چاند ہے یہ 384,400 کلومیٹر ہے، جتنا یہاں سے آس چاند تک. اور چاند جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرتے ہیں. عباس نے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ بچپن میں یا رسول اللہ دیکھا کرتے تھے کہ آپ پنگوڑے میں ہوتے تو چاند آپ کے اشارے پہ چلتا، آپ سے باتیں کرتا. کیا ایسا ہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے. تو چاند اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتی ہیں، جو بھی شے ہے وہ جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور ہر شے کو اور ہر مومن کو حکم ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد بھی بیان کیا کرے اور ثنا بھی بیان کیا کرے. اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام محمد کہلائے. اور اللہ فرماتا ہے، برحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے. اور فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور رحمت تمام جہان، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ہر شے سے وسیع میری رحمت ہے. ادھر حضور فرماتے ہیں کہ ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. شے کیا ہے؟ فرمایا کہ شے جو موجود ہو وہ شے ہے. یہ زمین سے 3 گلو پانی وہ شے ہے، اور اس زمین کے اوپر پہلا آسمان وہ بھی شے ہے، درمیان میں فاصلہ 500 سال کی مسافت وہ بھی شے ہے، اور پھر یہاں پہ جتنی کائنات موجود ہے وہ شے کہلاتی ہے، پھر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت وہ شے کہلاتی ہے، پھر دوسرا آسمان کی مسافت 500 سال ہے، پھر اس کی موٹائی شے ہے، وہاں فرشتے رہتے ہیں وہ بھی شے کہلاتے ہیں، یہاں 7ویں آسمان تک، پھر وہاں سے آگے سدرہ تک، سدرہ پہ جا کے آگے عرش اور جنت، جو چیزیں ہیں وہ شے کہلاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہر شے کا حکم ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی اور اس کے رسول کی حمد و ثنا بیان کیا. اللہ حضرت فرماتے ہیں، اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے محمد کہلائے کہ آپ کی بار بار تعریف کی جاتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنی بڑی آپ کا مقام ہے اور فضل ہے، اور قرآن پاک میں بہت مقامات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اس الفاظ میں کی گئی کہ جب فضل ہو، رحمت ہو، اور اس طرح اتنے بڑے امام ہوں، جب وہ جلوہ گر ہوں تو پھر خوشیاں منانی چاہیے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں ہر شے کر رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ بڑے زور اور شور سے اور اہتمام کے ساتھ اور شوق سے کل اور آج بھی اور ہر پورا سال ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جائے اور حمد کی جائے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ. محمد کے جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی، آقا کو پیدا خدا گر نہ کرتا، قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوتی. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہد ابھی سایہ نہ ہوندا، نہ او عرش کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دینا اے ہندے نظارے، نہ جنو بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حورا دے کسے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ ملدی کسے نو اصل زندگانی،
हवाए ना हुंदी ना हुंदा ए पानी, रबीउल अव्वल जे ना हुंदा महीना, कदों जान ना सी ओ मक्का मदीना, ना मीलाद हुंदे ना ए ना तखानी, ना हुंदा जहूरी ना ए खुश बयानी, और किसे शायद अभी एक साया ना हुंदा जमाने ते कुछ भी ना हुंदा जहूरी जे रब ने मुहम्मद बनाया ना हुंदा, जमाने ते कुछ भी ना हुंदा जहूरी जे रब ने मुहम्मद बनाया ना हुंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम हजरत आलामा मौलाना हाफिजुल कारी मोहम्मद इफ्तिखार कादरी साहब तशरीफ लाएं, अपने मोहब्बत भरे अंदाज से हमारे दिलों को बराबर फरमाएं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحابه المتأدبين بآدابه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين الله تعالى جل جلاله وعم نواله کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع من نشور نور على نور حبیب رب غفور ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تتیمہ دوراں سر خیل زہراں جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نجر بطحہ رازدار ما اوحا صاحب ما طغا صاحب عالم نشرا معصوم آمنہ آمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیۂ درود و سلام عرض کرنے کے بعد مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ آرزوے دیدے جانا محفل میں لائی مجھے، آرزوے دیدے جانا محفل میں لائی مجھے، آرزوے دیدے جانا بزم میں لائی مجھے، آرزوے دیدے جانا بزم سے میں لے چلا۔ دل کو جانا سے حسن سمجھا بجھا کے لائے تھے، دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوے جانا لے چلا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ کی اتباع کے ساتھ اپنی محبت کو متعلق فرمایا ہے کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو گے تو میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ علامہ اقبال نے ایک پوری داستان اس محبت کے متعلق کی ہے، آپ فرماتے ہیں، عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا خم سے، عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے عین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پنہائے عالم سے، کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، خویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی،
निगाहें ताक में रहती थी, लेकिन कीमियागर की वो इस नुस्खे को बढ़कर जानता था। इसमें आजम से बढ़ा तस्बीह खानी के बहाने अर्श की जानब, बढ़ा तस्बीह खानी के बहाने अर्श की जानब, बराए दिली तमन्नाए दिली बर आई साये पी हमसे फराया फिक्रे अजाने, उसे मैदान इमकान में छुपेगी क्या कुछ है बार गाहे हक के महरम से। चमक तारे से मांगी, चमक तारे से मांगी, चांद से दागे जिगर मांगा, तीरगी ली थोड़ी सी शब की जुल्फे बरहम से, तड़प बिजली से पाई हूर से पकीजगी पाई, हरारत ली नफ्स हाय मसीहे इब्ने मरियम से, जरा सी फिर रबू बीजे से शाने बेन्याजी ली, जरा सी फिर रबू बीजे से शाने बेन्याजी ली, मलक से आजजी उफ्तादगी तकदीरे शबनम से, फिर इन अज्जा को घोला चश्मे हवा के पानी में, फिर इन अज्जा को घोला चश्मे हवा के पानी में, मुरक्कब ने मोहब्बत नाम पाया अर्श आजम से, मुहवस ने ये पानी हस्तीय नौखेज पर छिड़का, गिरा खोली हुनर ने उसके गोया कारे आलम से, हुई जुम्बश अयां जर्रों ने लुत्फे ख्वाब को छोड़ा, गले मिलने लगे उठ उठ के अपने अपने हमदम से, खिरामे नाज पाया आफताबों ने सितारों ने, खिरामे नाज पाया आफताबों ने सितारों ने, चटक गुंचों ने पाई दाग पाए लाला जारों ने। अजीजा ने ग्रामी, मोहब्बत एक लतीफा है, मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि अगर दुनिया में ना हो तो दुनिया का हुसन खत्म हो जाए। इस मोहब्बत की वजह से सारी कायनात के अंदर हुसन नजर आता है। अगर ये हुसन खत्म होगा तो उस वक्त होगा जब मोहब्बत खत्म हो जाएगी। हसीनों में हसी ऐसे कि अल्लाह के भी महबूब ठहरे। महबूबा अली सलाम कितने हसीन हैं, क्या खूब किसी ने फरमाया, खुदा ने हसीना जमीला का मुंह मोड़ दिता, खुदा ने हसीना जमीला का मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का हुसन क्या बात है, आपके हुसन को आला हजरत ने बयान फरमाया, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झिंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस दौर पर, क्या भड़के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, और क्या खूब फरमाया, उसने यूसुफ पे कड़ी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, और ताजदारे गोड़ला बोले तो क्या फरमाया, फरमाया शाला एहा सूरत शाला पेशे नजर, एहा सूरत शाला पेशे नजर, रहे वक्त नजाते रोजे हशर, विच कबर ते पोलथी जद होसी गुजर, सब खोटियां थी सन तद खरिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा लड़ियां, वाह क्या खूब सजन दिया अखियां ने, बाखूब वाह क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जिमें भर के सुराइया रखिया ने, तू अजे मेरा यार नहीं बिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो नकाब उठावे, जो निकले सैर करन नू सारा गुलशन शीस नवावे, जो निकले सैर करन नू सारा गुलशन शीस नवावे, जे हथ फुल्ला विच रखदा हथ फुल्ला तो वध जावे, जो खोले पेज जुल्फ दे अते राही राह भुल जावे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच न आवे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच न आवे, खुलक ओदे ने मोली दुनिया कोई विरला ही जान बचावे, तौबा तौबा हुसन सजंदा जिदी झाल न झल्ली जावे,
आजम एटा सोहना माही सानू किधरे नजर ना आवे। अजीजा ने ग्रामी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इशाद फरमाया قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, अगर तुम अल्लाह से प्यार करना चाहते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत क्या है, सुनिए हजरत काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल हुब्बु मिनल्लाह इस्मतुन व तौफीकुन व मिनल इबादी ता, अल्लाह की बंदों से मोहब्बत यह है, अल्लाह अपने बंदों को गुनाहों से दूर कर देता है, नेकी की तौफीक अता फरमा देता है। और बंदों की अल्लाह से मोहब्बत क्या है कि बंदा हर गलत चीज को छोड़ दे। और क्या खूब किसी शायर ने कहा तासिल इलाहा व अंत तुजहिरु हुब्बहु, अल्लाह की नाफरमानी भी करता है और उसकी मोहब्बत का दम भी भरता है। हाजाल अमरी फिल कियासी बदीयू, ये बात तो मुझे बड़ी अजीबो गरीब लगती है कि तू कैसे झूठे दावे करता है। तुझे सोचना तो चाहिए कि रब्बे जुल जलाल की मोहब्बत का दावा तो करता हूं लेकिन मैं अपनी मोहब्बत में झूठा किस कदर हूं। फरमाया लव काना हुब्बु का सादिकन ला अतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीऊ, क्योंकि जो बंदा अल्लाह ताला से प्यार करने वाला होता है, फरमाया कि अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो अपने मोहब्बत में सच्चा होता तो जरूर खुदा की इताअत करता और खुदा के महबूब की भी इताअत करता, क्योंकि जो मुहिब होता है अपने महबूब की इताअत भी करता है और उसके साथ मोहब्बत भी करता है। अजीजाने गिरामी आइए महबूबा अलैहिस्सलाम की जात के साथ प्यार देखिए। क्या रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का हुक्म दिया, रब्बे कायनात ने 8 चीजें शुमार करवाई और फरमाया इन चीजों में से कोई चीज अगर तुम्हें बढ़ के मेरे महबूब अली सलात वसलाम और मेरी मोहब्बत से बढ़ के होगी फिर सुन लेना कि मेरा अजाब आने वाला है। कुरान मजीद में ऐलान है قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره। ये 8 चीजें अल्लाह ताला ने ऐसा करीमा में इनवा के वाजे किया है कि इनमें से कोई चीज भी अगर अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब की मोहब्बत से बढ़ गई तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करना। और मेरे महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन अपने बेटे बेटियों और सारे लोगों से बढ़ के मुझसे प्यार न करे, उस वक्त तक वो अपनी मोहब्बत में सच्चा नहीं हो सकता। और फिर आगे हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसकी जान से पढ़कर प्यारा ना हो जाऊं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह अक्दस में तशरीफ फरमा थे, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप मुझे हर चीज से बढ़ के प्यारे हैं लेकिन मुझे जान से बढ़ के प्यारे नहीं है। महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की नजर से हजरत उमर को देखा, फौरन बोल उठे या रसूल अल्लाह आप मुझे जान से भी बढ़ के प्यारे हैं। मैं कि इतनी जल्दी कैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने यह बात अर्ज कर दी। मैं कि जिस तरह हुजूर की कलाम लोगों की तरबियत करती है इस तरह नजर हुजूर की दिलों की सफाई करती है। हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर नजर डाल दें उसकी फौरन जहरी सफाई भी हो जाती है दिली सफाई भी हो जाती है। आइए देखें मोहब्बत करने से अजर क्या मिलता है। हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हुजूर के दरबार में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मतत सा क्यामत कब आएगी। मेरे महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा आदत तलाहा, तूने क्यामत की तैयारी क्या की है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो मैंने नमाजें ज्यादा पढ़ी हैं
ना ज्यादा रोजे रखे हैं, लेकिन हाँ एक बात मेरे पास है जिस पे मुझे फख्र भी है, जिस पे मुझे एतमाद भी है, जिस पे मुझे भरोसा भी है, वो ये है लाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, अल्लाह के महबूब से भी प्यार करता हूँ। आगे सुनिए फिर मेरे महबूब अली सलातो वसलाम ने क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया अंता मामन अहबबता, फिर तू भी है मेरे सहाबी, सुन ले जिसके साथ तू प्यार करता है कल क्यामत के दिन तेरा हशर भी उसी के साथ होगा। हुजूर अली सलातो वसलाम के साथ प्यार करना, मोहब्बत करना, आज जो लोग हुजूर की मोहब्बत से पीछे हटते चले जा रहे हैं, दिलों के अंदर मोहब्बत को निकाला जा रहा है और तरह तरह के एतराज करते हैं, जिस वक्त मोहब्बत दिल में आ जाती है एतराज बाकी नहीं रहता। जिस दिल के अंदर मोहब्बत ना हो वो तरह तरह के ऐब निकालता है। महबूबा ते नुक्ता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानिए, असल मुनाफिक जानिए उसनू, वो झूठे प्यार जतांदा। सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती, सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती, जेड़ा मुड़ मुड़ प्या फरमांदा आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा। आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या नजर आए क्या देखे। आओ एक कहानी तुम्हें हुजूर अली सलातो वसलाम के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा की सुनाता हूँ। आप जिस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा के पास से हुजूर के पास आए तो आपके वालदे गिरामी और आपके भाई बुलाने के लिए आपको ढूंढते ढूंढते हुजूर के पास तशरीफ ले आए। उनको किसी ने बताया कि हुजूर के पास आपका बेटा मौजूद है। जिस वक्त बताया गया हुजूर अली सलातो वसलाम के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आपके पास हमारा बेटा है, हम उसको ले जाना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि तुम ले जाओ अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है। अर्ज की कि जितने आप दाम मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। आपने फरमाया अगर वो ना जाए तो इन पैसों के बदले में मैं तुम्हारे साथ भेज नहीं सकता, अगर वो जाना चाहे तो मैं उसको रोकूंगा नहीं। आए जिस वक्त आके बेटे को पकड़ा और गले से लगा लिया, खूब बाप रोया कि बेटा आप मेरे साथ चला जाएगा, लेकिन जिस वक्त कहा कि ज़ैद हमारे साथ चलो, हजरत ज़ैद कहने लगे नहीं ऐ मेरे वालदे ग्रामी, जो मोहब्बत मुझे इस दर से मिली है वो तुम्हारे पास से भी मुझे नहीं मिली। हुजूर अली सलातो वसलाम इतनी मोहब्बत अता फरमाते हैं, तेरी जुल्फ दे कैदी, तेरी जुल्फ के कैदी निराली शान रखते हैं, तेरी जुल्फ के कैदी निराली शान रखते हैं, कभी मांगा नहीं करते रिहाई या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ला जलालहू व अम्मन वालहू की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर अली सलातो वसलाम का प्यार नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। मोहम्मद इफ्तिखार कादरी साहब बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज के साथ अपना इजहार माफी ज़मीर फरमा रहे थे। मोहब्बत है वो एक नाजुक सी हकीकत महसूस जिसे करते हैं समझा नहीं सकते। मोहब्बत है वो एक नाजुक सी हकीकत महसूस तो करते हैं समझा नहीं सकते। तो मैं गुजारिश करूँगा नन्हे मुन्ने खतीब जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद अनस हयात कादरी साहब को तशरीफ लाएं। नहनो अकरब कहंदा कहंदा सोना साडे वेड़े आया, नहनो अकरब कहंदा कहंदा सोना साडे वेड़े आया, हबलिल वरीद दी सेज विछा के साडे अंदर डेरा लाया, फी अनफुसकुम दी शमा जला के साडा लूलू आ चमकाया, आजम यार वसे विच घर दे एवें अन्या शोर मचाया, और इल्मा वाले पढ़न पढ़ाण जिन्नू सरफ नाव दे इल्मी जगीर विचू, बिना पढ़न पढ़ाण दे लभ लिया रंद जट उन्नू जट्टी हीर विचू,
यूसुफ विचों जुलेखा दीदार किया ते मजनू लैला दी पाक तस्वीर विचों अजमत होरना दा सानू पता नहीं हो असी लभ्या रब फकीर विचों अजमत होरना दा सानू पता नहीं हो असी लभ्या रब फकीर विचों। हजरत गिरामी मक्खन दुध दे अंदर हुंदा मक्खन दुध दे अंदर हुंदा हर एक नू नजर ना आवे उसे नू नजरी आंदा जरा अंदर जाते पावे। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद अनस हयात कादरी साहब को आए अपना इजहारे माफी जमीर पेश करें। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أغناهم الله ورسوله من فضله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام ذوق شوق کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اے پناہ جہاں سلام علیکا اے پناہ جہاں سلام علیکا تکیہ بیٹ ساں سلام علیکا منزلوں تو مقام او ادنا منزلوں تو مقام او ادنا گرد راہ کہکشاں سلام علیکا من فتادا بخاک کوئے تو ان من فدادا تخاک کوئے تو ام خوز یدی اے جانا سلام علیکا لطف فرما کہ ما شکستہ ترین لطف شایان شاہ سلام علیکا برہما آل پاک و اصحابش فخر ہر دم بخا سلام علیکا جو جہاں کی ہے بلندیاں تیرے نقش پا پہ نثار ہیں جو جہاں کی ہے بلندیاں تیرے نقش پا پہ نثار ہیں یا حبیب خالق دو جہاں تیرے جلوے عرش سے پار ہے اٹھے لاکھوں پردے شب دنا تیرا حسن پھر بھی رہا چھپا اٹھے لاکھوں پردے شب دنا تیرا حسن پھر بھی رہا چھپا تیرے ہر حجاب پہ جانے جا کئی لاکھ جانے نثار ہیں تیری پردہداریوں سے بنے تیری پردہداریوں سے بنے کہیں انبیاء کہیں اولیاء تیری پردہداریوں سے بنے کہیں انبیاء کہیں اولیاء تیرے ہر حجاب میں جلوہ گر کئی حسین آئینہ دار ہیں تو زمین میں ہے تو زمان میں ہے تو آیا بھی ہے تو نہاں بھی ہے تو زمین میں ہے تو زمان ہے تو آیا بھی ہے تو نہاں بھی ہے تیرے حسن ہی کی تجلیاں میری زندگی کی بہار ہیں کہاں نور روح امی بلا کہاں نور حضرت مصطفیٰ کہاں نور روح امی بلا کہاں نور حضرت مصطفیٰ وہ مقیم سدرائے منتہا وہ بنا کے شاہ سوار ہے جو ضیاء شمس و قمر میں ہے جو وجود لوح و قلم میں ہے جو ضیاء شمس و قمر میں ہے
जो वजूद लौह कलम में है, तेरा हुसन जलवा फरोज है जो जहां के सारे दयार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना और हजूर नबी अकरम शफीए उमम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए हुलूक मालिक निकाब उमम फखरे अरबो अजब बालिये कौनो मता सयाह ला मता सैयदे इंसो जा सरवरे लाला रुखा नजरे ताबा जानशीन महवशा माहे खूबा शहनशाहे हसीना ततिम्माए दौरा सरफाले जुहरा जमाला जलवाए सुबह अजल नूरे जाते लम यजल बाइसे तकवीन आलम फखरे आदम व बनी आदम नजरे बतहा राजदार ना अवहा शाहिदे ना तगा साहिबे अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुस्तफा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार नाज में हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मौजूद सामईन कराम जश्न विलादत बासआदत की इस बाबरकत रात के हवाले से मेरा मौजू सुखन ये है कि दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजियात बड़ा पुरलतक मौजू है, जरा गौर से सुनिएगा बहुत सरूर आएगा। इलाही जो शान जो फजलो कमाल जो हुस्न जमाल और मानवी खूबियाँ तूने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं, उनका सही इरफान और पहचान भी नसीब फरमा और उनको इस तरह बयान करने की तौफीक अता फरमा जिसके बयान करने से तारीख दिल रोशन हो जाए और जोक शौक दुनिया आबाद हो जाए। आमीन सुन्ना आमीन। मेरे बुजुर्गों, इस कायनात में जो कुछ तकसीम होता है, जो रिजक बांटा जाता है, जो माल तकसीम होता है, जो इनामात और नेमतें बंदों को मिलती हैं, ये तमाम कर अल्लाह ताला की अता करदा और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम करता है। इस वास्ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक रकम है, इन्नमा अना कासिमुन बल्लाहु युती, कि अल्लाह ताला अता करने वाला है और मैं उसे तकसीम करने वाला हूं। मेरे बुजुर्गो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की अता की हद में किसी कैद का जिक्र नहीं फरमाया और अपने तकसीम के बांटने में भी किसी कैद या हद का जिक्र नहीं फरमाया। अल्लाह ताला सब कुछ अता करने वाला है और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तकसीम करने वाले हैं। अल्लाह ताला रिजक अता करने वाला है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजक तकसीम करने वाले हैं। अल्लाह ताला इज्जतें अता करने वाला है, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जतों को तकसीम करने वाले हैं। इस कायनात में जो कुछ किसी को मिला है या मिल रहा है वो सारी की सारी दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजियात हैं और मेरे बुजुर्गों, दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजियात हर लम्हा हर आन जारी और सारी हैं और अल्लाह ताला के इनामात और नेमतों को तकसीम किया जा रहा है। मेरे बुजुर्गों, ये इनामात मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर मुबारक से पहले आपके नूर मुबारक से इनकी तकसीम होती रही, आपके ज़हूर मुबारक के बाद आपकी ज़ात मुबारक तासीम और तकसीम कुनिंदा करार पाई। कुरान मजीद में है कभी हजूर अलैहिस्सलाम का जहूर मुबारक नहीं हुआ था कि यहूदी आपके नाम का वसीला पेश करके काफिरों पर फतह मांगते थे। इसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वकालू मिन कब्लू यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीन कफरू, और इससे पहले वो इसी नबी के वसीलों से काफिरों पर फतह मांगते थे। कुरान मजीद के मुताबिक जब यहूदी काफिरों पर फतह मांगते तो हमारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करते और अल्लाह ताला उन्हें फतह से अता फरमा देता। मेरे बुजुर्गों, ये इनामात और नवाजियात मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर अकदस से बड़ी पुरानी है। अब जिस वक्त मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा फरोज हुए
उसके बाद जो इनामात का सिलसिला शुरू हुआ उसकी तकसीम आपके सामने रखता हूँ। मेरे बुजुर्गों, मेरी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर इनामात के मरकज है कि जाहिरी बातनी दीनी दुनियावी रूहानी जिस्मानी सारे के सारे इनामात मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे अकदस से होते रहे और होते रहेंगे। कुरान मजीद ने आपकी अताओं और नवाजशात को यह बयान फरमाया, अग्नाहुम अल्लाह व रसूलुहु मिन फज़ल, गनी किया उनको अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फजल से। गनी करने की निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ भी फरमाई और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी फरमाई। गनी करने की निस्बत मिन फज़ली में वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल करके अल्लाह ताला ने यह जाहिर फरमा दिया कि मेरा फजल और मेरे महबूब का फजल ये दो फजल नहीं बल्कि एक ही फजल है। दूसरे मुकाम पर हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया, अन अमल्लाहु अलैहि व अन अमतु अलैहि, कि ए महबूब इस ज़ैद बिन हारसा पर अल्लाह ने भी इनाम किया और आपने भी इनाम किया। मेरे बुजुर्गों, हजरत सय्यदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी तकरीबन 8 साल के थे कि आपकी वालदा माजदा आपको लेकर दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटा सा आपका खादिम है, इसे मैं आपकी खिदमत करने के लिए लाई हूँ, आप इसके लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला इसका भला करे और इसे दारैन की सालते अता फरमाए। हजरत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा पास बैठी थी कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहमतों भरे हाथ उठाए और हजरत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई। दुआ क्या थी? अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु व अतिल हयातहु वाग़फिर लहु फ़क़ाल लक़द दफ़न्तु मिन सुल्बी मिअतन इल्ला अनीना व इन्न समर्ति लतहमलु फिस्सनति मर्रतैन वलकत बकीतु हत्ता समितुल हयाता व अन्नी अर्जुर राबियता अजिल मग़फिरा। चार दुआएं ज़बाने नबुव्वत से हजरत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए निकली। ऐ अल्लाह, अनस के माल में बरकत दे, अनस की औलाद में बरकत दे, इनकी उम्र को लंबा कर दे और ऐ अल्लाह इनके गुनाहों को माफ करवा दे। रहमत भरे हाथ जिसके लिए उठते हैं उसे माला माल कर देते हैं, जिनको सुए आसमां फैला के जल फल कर दे, जिनको सुए आसमां फैला के जल फल कर दे, सदका उनके प्यारे हाथ का हमको भी दरकार है, तेरे ही दामन पे पड़ती है हर आसी की नजर, या रसूल अल्लाह तेरे ही दामन पे पड़ती है हर आसी की नजर, एक जा बेखता हर दो जहां का बार है, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ की जरूरत तो आपके हर उम्मती को भी है और आपकी उम्मत की हकीर मुझसे अफार को भी है। तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुदा आवारा जिसिया या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार दुआएं हजरत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए फरमाई। हजरत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए जो दुआ फरमाई थी उस दुआ का असर भी आपको कोई नजर आया है? तुम्हारी अम्मी जान ने तो बड़ी सफारिश से तुम्हारे लिए दुआ करवाई थी, बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप किस हद तक नवाजे गए? हजरत सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उस दुआ का बड़ा असर देखा, जहां तक माल में बरकत की दुआ है तो फरमाया, वा इन समति लतहमलु फिस्सनति मर्रतैन, बाकी लोगों के बागों में साल में एक मरतबा फल लगता है, मेरे बाग में साल में दो मरतबा फल लगता है। मदीना शरीफ के अंदर रहते हुए एक ही आबो हवा है, एक ही माहौल है, बाकी लोगों के बाग, बाकी लोगों के बागों में, बाकी लोगों के बागात में साल में एक मरतबा फल लगता है, मेरे बागात में साल में दो मरतबा फल लगता है। ये इस दुआ की बरकत है जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मेरे माल में बरकत के लिए फरमाई थी। जहां तक औलाद में बरकत की दुआ है तो फरमाया, लकद दफनतु मिन सुल्बी मिअतन इल्ला अनीना, कि
अल्लाह ने मेरी औलाद में इतनी बरकत दी है कि मेरी औलाद में से 98 लड़कों के तो मैंने अपने कंधों से जनाजे उठा के अपने हाथों से दफन कर चुका हूं। जो अल्लाह ने मुझे इतनी औलाद दी है कि जो बड़ी उम्र के हुए उनकी तादाद एक तरफ, वफात पा जाने वालों की तादाद 98 है। ये उस दुआ की बरकत है जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मेरी औलाद में बरकत के लिए फरमाई थी। जहां तक उम्र में बरकत की दुआ है तो फरमाया वला तक बकी तो हत्ता समितुल हयाता, मेरी इतनी लंबी जिंदगी और उम्र हो गई है कि अब मैं सफर आखिर चाहता हूं। लोग जिंदगी लजीज मानते हैं, मुझे जिंदा रहते हुए इतनी देर हो गई कि अब मैं सफर आखिर चाहता हूं। बसरा में जो सहाबा इकराम अलैहि रिदवान थे उनमें से सबसे आखिर में आपका विसाल मुबारक हुआ और फरमाया वा अन्नी अर्जु राबियता अजिल मगफिरा, जब चार में से तीनों का असर अपनी आंखों से देख लिया है तो चौथी भी जरूर कबूल होगी। माशर का दिन होगा खालिक कायनात मुझे मगफरत अता फरमाएगा। मेरे बुजुर्गों, इस कायनात में जिसको भी जिस तरह से नवाजा जा रहा है वो सारी की सारी दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाज चाहते हैं। चश्मे अकवाम ये नजारा अब तक देखे, चश्मे अकवाम ये नजारा अब तक देखे, रिफात शान मारा फाना अल्लाह का जिक्र देखे। या रब साइया कलमे वाला हर दम साथ कराए, या रब साइया कलमे वाला हर दम साथ कराए, फ्रेंच हजूरी सरवर रखी गहरा मुख बवाई, आखिर वेले वक्त कबेले यार दीदार कराई, आखिर वेले वक्त कबेले यार दीदार कराई, तो शेर मोहम्मद भी ये बोली रखी आखिर ताई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासारत का सदका हजूर गौसे संदानी कुतुबे रब्बानी हजूर साईं शेर मोहम्मद जलानी के दस्ते मुबारक का लगाया हुआ ये पौधा और मेरे अजीमन माही के चन्नस्तान अब्दुल अबाद तक कायम मदाइम रख और हम मस्किनों को इस तरह की पाक खाक हमारी जबीनों की जीनत बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।